अ गुड इवनिंग फ्रेंड्स सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद मॉड्यूल थ्री और मॉड्यूल थ्री में हमारा सबसे पहला चैप्टर है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस डी एस पूरे वर्ल्ड में सॉरी So, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वहां ये कंसेप्ट होता है बट वहां टी को बोला जाता है विद होल्डिंग टैक्स <coughs> आपको एग्जाम में अराउंड टेन मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से सो so, टेन मार्क्स फॉर श्योर शॉर्ट यू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम द टी डी एस इन फॉर्म ऑफ एम सी क्यू एंड रेगुलर क्वेश्चन सो बिफोर आई स्टार्ट टीडीएस कुछ जनरल बातें करते हैं टी डी एस की ही टी डी एस की ही जैसे कि मेरी कंपनी है वी जी एल डी आई मेरे ऑडिटर्स हैं ईवाई इनको ऑडिट फीस पे करती है लेट से ट्वेंटी लैख तो टेन परसेंट मुझे टीडीएस काटना होता है सो so, मैं टू लैख का टीडीएस काटूंगा और एटीन लैख ई वाई को पे कर दूंगा ठीक है तो वी जी एल डी को बोलते हैं हम डिडक्टर पेयर एंड ई वाई को हम क्या बोलते हैं डिडक्टी पेई राइट अब ईवाई की इनकम कितनी मानी जाएगी एटीन लैख और ट्वेंटी लैख एक सेक्शन पढ़ेंगे आप इसी चैप्टर में सेक्शन 198 जो कहता है कि जो टीडीएस डिडक्ट हो गया दैट इज द इनकम ऑफ द डिडक्टी यानी कि चाहे डिडक्टी को एटीन लैख मिल रहा है उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी ट्वेंटी लैख इनकम मानी जाएगी ट्वेंटी लैख और टू लैख का ई वाई जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा उसमें जो टैक्सेस होंगे उसमें से क्रेडिट ले लेगा टी डी एस का सबसे पहली बात जितने भी सेक्शन है टी डी एस के वो कहते हैं आपको टीडीएस काटना होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच टू अकाउंट ऑफ पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ विच एवर इज अर्लियर सो आपको टी डी एस काटना होता है द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम समू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो भी इवेंट अर्लियर है यानी बिल आ गया आपको बिल मुझे आ गया ईवाई का मैंने एंट्री पास कर दी ईवाई ऑडिट फीस डेबिट टू ईवाई तो जिस दिन मैंने एंट्री पास कर दिया यानी क्रेडिट दे दिया पे को मुझे उस दिन टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन है और पेमेंट विच एव रिजर्वलेयर और अगर मैं ईवाई को एडवांस पे कर देता हूं बिल नहीं आया अभी तो जब मैं एडवांस पे करूंगा उस समय मुझे टीडीएस काटने की ऑब्लिकेशन है तो जितने भी सेक्शन हैं से टीडीएस के उन सब में लिखा है कि आपको टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच अमाउंट सच टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इसके कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे आप पहला एक्सेप्शन अभी पढ़ने वाले हैं सैलरी जो सैलरी पे मुझे टीडीएस काटना होता है वो काटना होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट तो इसके हम एक्सेप्शन करेंगे सैलरी और शायद दो तीन एक्सेप्शन दो एक्सेप्शन आज आज क्लास में करेंगे तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पर कुछ सेक्शंस कहते हैं कि आपको टीडीएस की काटने की ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली नॉट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट वन सच एक्सेप्शन इज सैलरी तो अभी करते हैं थोड़ी देर में कि सैलरी पर आपको टीडीएस काटना होता है जब आप पे करते हैं एंड नॉट एट द टाइम वेन यू क्रेडिट द सैलरी टू द अकाउंट ऑफ द इंप्लॉय एक बात तो ये हो गई ठीक है अब देखिए मैं क्या चालाकी करता हूं मैं क्या चालाकी करता हूं मेरी एंट्री होनी चाहिए hmm. थी ऑडिट फीस डेबिट 20 लाख उटर, टू वाई ऑडिटर 18 लैख टू टी डी एस पेबल टू लेख अब मैं टीडीएस ना काटू इससे बचने के लिए टीडीएस से बचने के लिए मैं क्या करता हूं यह एंट्री पास ना करके मैं एंट्री पास कर देता हूं ऑडिट फीस डेबिट ट्वेंटी लैख टू ऑडिट फीस पेबल ट्वेंटी लैख और मैं कहता हूं जी मैंने तो क्रेडिट किया ही नहीं टू अकाउंट ऑफ ई वाई ऐसा बहुत हुआ लिटिगेशन चली और इन्होंने सभी सेक्शन में डाल दिया सभी सेक्शन डाल दिया क्या कि अगर आप पे को क्रेडिट नहीं करते अगर आप पेई को क्रेडिट नहीं करते क्रेडिट करते हैं एक्सपेंस पेबल को या कोई भी सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं या कोई भी नाम दे देते अकाउंट को तो भी आपकी टीडीएस काटने की ऑब्लिकेशन है सो so, पहला कंसेप्ट कि आपको टीडीएस काटना होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच रिजर अर्लियर दूसरा कंसेप्ट इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं पहले एक्सेप्शन आज पड़ेंगे सैलरी का कि सैलरी पर टीडियस करता है ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट और भी एक्सेप्शन पड़ेंगे लॉटरी वगैरह दो एक्सेप्शन आज भी कर लेंगे दूसरा कंसेप्ट है कि आप पे को क्रेडिट ना करके एक्सपेंस पेबल को क्रेडिट कर देते हैं या फिर किसी और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं तो लॉ कहेगा हम ये मानेंगे कि आपने पे ही को क्रेडिट किया है हम डीम कर लेंगे कि आपने पे ही को क्रेडिट किया है एंड अकॉर्डिंगली टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन है आपकी जब हम लोग आर्टिकल हुआ करते थे तीस साल पहले तीस भी नहीं थर्टी थ्री थर्टी फोर ईयर्स पहले तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता था एक कंसेप्ट का बताता हूं क्या कुछ इंडिविजुअल पर होता कि इंडिविजुअल एचओ पर टीडीएस नहीं करता या ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है तो हमें इसमें हमेशा डाउट होता था हमारे बॉसेस हमें इस तरह से ब्रीफ करते थे आपकी मदर है मदर का मतलब हो गया इंडिविजुअल अगर उनको रेंट मिल रहा है उनको रेंट मिल रहा है ट से टेन लैख पर एन का रेंट मिल रहा है और जो पे कर रहा है आपकी मदर का वन लैख टीडीएस काट लेता है तो क्या मदर को कोई दिक्कत है नो no, कोई दिक्कत नहीं है मदर अपनी रिटर्न फाइल करेंगी उसमें टीडीएस का क्रेडिट क्लेम कर लेंगी दिक्कत कब आती है जब मदर आपकी मदर मीन्स से मदर इट मीन्स इंडिविजुअल शी स्पेइंग रेंट शी स्पेंग रेंट और लैंडलॉर्ट को रेंट पे कर रही है लेख से टेन लैख पर एनएम अब अगर मधर को टीडीएस काटना पड़ जाए अगर मदर को टीडीएस काटना पड़ जाए वन लेख का तो देखिये मधर के लिए कितनी दिक्कत है कि उनको पहले टी काटना है फिर चलान के थ्रू जमा करना है फिर टी की क्वार्टर रिटर्न फाइल करनी है जो कि एक इंडिविजुअल के बस की नहीं होता है एंड दे सभी सेक्शन में लिखा हुआ है सभी सेक्शन में लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन शैल डिडक्ट टीडीएस एक्सेप्ट इंडिविजुअल एंड एच यानी इंडिविजुअल एच को टीडीएस काटने से छूट दे दी गई है क्योंकि आपकी मदर जो है उनके पास अकाउंटेंट नहीं होगा जो कि टीडीएस काट के चलान के थ्रू जमा करे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करे ऑल दो तो पूरे लॉ में आप देखेंगे इंडिविजुअल एच को अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है लेकिन लेकिन सपोज हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टू तो लॉ कहता है इंडिविजुअल एच के केस में अगर जो इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर है इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर है यानी प्रीवियस ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च 2021 अगर उसमें इंडिविजुअल एच की टर्नओवर बिजनेस में हंड्रेड लैक एक्सीड कर रही थी बिजनेस में और प्रोफेशन में रिसीट्स फिफ्टी लैख एक्सीड कर रही थी तो देखिए अगर आपकी प्रिसीडिंग ईयर में टर्नओवर इन बिजनेस वाज हंड्रेड लैख फिर तो डेफिनेटली आपको अकाउंटेंट होगा तो फिर लॉ कहता है कि इंडिविजुअल एच को करंट ईयर में टीडीएस काटना होगा सो सो हम पढ़ेंगे सारे सेक्शन सभी सेक्शन में लिखा होगा कि इंडिविजुअल एच को टी नहीं काटना बट <coughs> इंडिविजुअल और ये एच को टीडीएस काटना पड़ेगा करंट ईयर में अगर इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर में यानी 31 मार्च 21 में उसका जो टर्नओवर है बिजनेस में सेल्स है बिजनेस में दैट एक्सीडेड हंड्रेड लैख या प्रोफेशनल रिसीट एक्सीडेड फिफ्टी लैख आपने टैक्स ऑडिट कराया था या नहीं लॉ इसकी बात नहीं करता लॉ इसकी बात नहीं करता लॉ सिर्फ कहता है कि प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर इंडिविजुअल एच का टर्नओवर इन बिजनेस एक्सीडेड हंड्रेड लैख या फिर इन प्रोफेशनल एक्सीडेड फिफ्टी लैख देन दिस इंडिविजुअल एच इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टी द करंट इॉम द वेरियस वीमेन्स मेड सैलरी इज अगेन एन एक्सेप्शन सैलरी में इंडिविजुअल एच ओ फूटी डिस्काटना पड़ेगा प्रिसीडिंग में टर्न ओवर क्या था इेलिवेंट है सो सैलरी एक एक्सेप्शन है तो सैलरी में अगर आपकी मदर भी सैलरी पे कर रही है और उनका टर्न ओवर पिछले साल में हंड्रेड लैक्स एक्सीड नहीं कर रहा था उनको टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन है सो विद दिस लिटिल इंट्रोडक्शन लेट मी स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ टीडीएस फर्स्ट पेज सो आप टैक्स दो तरीके से पे करते हैं एक तो आपका टीडीएस कट जाता है और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम टी सी एस आपका टैक्स कलेक्ट हो जाता है दूसरा तरीका क्या होता है आप डायरेक्ट पेमेंट करते हैं बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन 191 कहता है कि सपोज मैंने ईवाई को 20 लाख की पेमेंट कर दी और इस पर टीडीएस नहीं काटा मैंने 20 लाख की पेमेंट कर दी इस पर टीडीएस नहीं काटा तो इसका मतलब यह नहीं है कि ई वाई अपना टैक्स नहीं देगा ई वाई ये नहीं कह सकता कि हमारा दो लाख टी कटना चाहिए था नहीं कटा वो हम नहीं पे करेंगे लॉ कहता है अगर टी कटना चाहिए था नहीं कटा तो यह जो पे है उसको डायरेक्ट पेमेंट करनी पड़ेगी जो उसका टैक्स बनता है जो बीस लाख इनकम इंक्लूड करके टैक्स बनेगा उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा इसी तरह लॉ कहेगा कि अगर हमारे चैप्टर ऑफ टीडीएस में कोई सेक्शन नहीं है जो कहता है टीडीएस काटिए कोई सेक्शन नहीं है नहीं मतलब सेक्शन नहीं है जो कहता है टीडीएस काटिए इसका मतलब यह नहीं है कि पे को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा पेई को तो टैक्स देना ही पड़ेगा जो बनता है उसका क्लैरिफिकेशन है केस ऑफ एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिच

एक सेक्शन 191 नाइनटी टू आया है आपको समझ में नहीं आएगा अभी फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी से आया है उसे हम ऑप्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो हम अच्छा टी डी एस विल टेक अराउंड फोर टू फाइव लेक्चर्स फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी से बड़ी अमेंडमेंट्स आई फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी वन से भी काफी अमेंडमेंट्स आई हैं क्लैरिफिकेशन भी आई हैं नए अमेंडमेंट्स पर तो उसमें हम बहुत टाइम लगाएंगे क्योंकि उस पर एग्जाम में क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आना चाहिए आपको तो हम पहले दो या ढाई लेक्शन में पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन वेरियस पेमेंट्स एट स्पेसिफाइड डेट्स। उसी बाद हम पढ़ेंगे कि टी डी एस आपको कब तक जमा करना होता है टी डी एस की क्वार्टली रिटर्न फाइल करनी होती है टी डी एस का सर्टिफिकेट इशू करना होता है टी डी एस की रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है और अगर आप नहीं करेंगे तो उसके क्या क्या पेनल कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो आप पढ़ेंगे जो टी के रेट्स है जैसे रेंट पर टेन परसेंट कटता है प्रोफेशनल फीस पर दस परसेंट टीडीएस कटता है क्या उन रेट्स को हम इंक्रीज करेंगे बाय सर्चार्ज एजुकेशन सेस आंसर इज नो तो जो टीडीएस टीसीएस टीडीएस हम टी की बात बात में करेंगे तो जो टीडीएस के रेट्स दिए हुए हैं वेरियस सेक्शंस में उनको हम इंक्रीज नहीं करेंगे नहीं करेंगे बाय सर्चार्ज एंड एजुकेशन सेस अगर 10 परसेंट है रेंट पर तो 10 परसेंट ही काटेंगे अगर पेमेंट कर रहे हैं आप किसको रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं रेजिडेंट को तो जो टी के रेट्स दिए होते हैं दे आर नॉट इंक्रीज बाय सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस लेकिन सैलरी के केस सैलरी के केस में जो टैक्स बनता है एस टी काट लेते हैं हम वहां पर टैक्स निकाला जाएगा आफ्टर इंक्रीजिंग द सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सैलरीड क्लास पर्सन का जितना टैक्स बनता है सैलरी पर वो एम्प्लॉयर काट ले ताकि सैलरीड क्लास पर्सन को एडवांस टैक्स ना देना पड़े ताकि उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स ना देना पड़े सर चार्ज एंड एजुकेशन सेस ऑन रेट्स ऑफ टीडीएस अगर पे रेजिडेंट है तो पे डिडक्टी कंपनी को तो सैलरी दे नहीं सकते हम कोई और एस एस को हम सैलरी पे करें कंपनी को तो दे ही नहीं सकते ना नो सचार्ज एजुकेशन सेल शेल बी एडेड टू द दिस्क्राइब रेट्स ऑफ टी डी एस हाउ एवर सचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी एडेड ऑन टी डी एस ऑन सैलरी दस जो टैक्स होगा सैलरी पर दैल बी इंक्रीज बाय सरचार्ज ऑफ टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी सेवन परसेंट वे आय टैक्सेबल सैलरी एक्सीट फिफ्टी लैख वन करोड़ टू करोड़ फाइव करोड रिस्पेक्टिवली और हेल्थ एजुकेशन सेस फोर परसेंट हर केस में ऐड किया जाएगा सो सैलरी पर टैक्स निकाला जाएगा बाय एडिंग सरचार्ज एजुकेशन सेस और उतने अमाउंट का टी डी एस काट लिया जाएगा नॉन <coughs> रेजिडेंट हम पढ़ेंगे नॉन रेजिडेंट पर जैसे आप पढ़ेंगे 115 ए जहां एनआर को आप रॉयल्टी देते हैं तो 10 परसेंट टैक्स लगाया जाता है ऑन द रॉयल्टी इधर टीडीएस में सेक्शन 195 कहता है कि आप जो डीएस काटेंगे वो भी दस परसेंट काटेंगे ठीक है अब क्या है ये जो टैक्स है, बी बाय एजुकेशन सेस। दिस टैक्स विल बी इंक्रीज बाय सज एजुकेशन सेस एंड देयरफॉर गवर्नमेंट कहती है कि जो एनआर को पेमेंट एनआर का टी कटेगा उसमें आप सर्चार्ज एजुकेशन सेस ऐड करेंगे जैसे कि मैंने फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी पे की लेट से टू करोड़ तो वन फिफ्टीन ए कहेगा कि टैक्स होगा टेन परसेंट ट्वेंटी लैख सिंस फॉरेन कंपनी है तो टू परसेंट सर है ठीक है ये हो जाएगा वन परसेंट फोर्टी थाउजेंड ट्वेंटी लैख फोर्टी थाउजेंड इसमें फोर परसेंट सेस लगेगा फोर परसेंट सेस लगेगा कितना हो गया ट्वेंटी लैख फोर्टी थाउजेंड इंटू फोर परसेंट एटी वन सिक्स हंड्रेड सो फॉर कंपनी का टैक्स बनेगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन सिक्स हंड्रेड अब जो सर्च टी डी एस काटेंगे आप टी डी एस का रेट है दस परसेंट उसे इंक्रीज करेंगे बाय सर्च ऑफ टू परसेंट एंड सेस ऑफ फोर परसेंट ताकि फॉरनर का जितना टैक्स बनता है उतना ही टी डी एस कट जाए क्योंकि एक बार इंडिया से पेमेंट बाहर निकल गई फिर रिकवरी मुश्किल होती है एंड देयरफॉर लॉ कहता है अगर पेमेंट कर रहे हैं आप किसको फॉरेन कंपनी को तो जो रेट्स ऑफ टीडीएस स्पेसिफाइड है सेक्शन 195 पढ़ेंगे हम सेक्शन 195 होता है पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट तो अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं विच इज अ फॉरेन कंपनी तो जो टीडीएस के रेट दिए हुए जैसे कि रॉयल्टी पे दस परसेंट दिया हुआ है इट शेड बी फर्दर इंक्रीज बाय सर चार्ज ऑफ टू परसेंट विदेंट मेड और टू बी मेड टू द पे एंड दिथ इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड वन करोड़ बट डज नॉट एक्सीड टेन करोड और सरचार्ज लगाएंगे आप पांच परसेंट जहां आप जो पेमेंट्स करेंगे इस फॉरेन कंपनी को पूरे साल में दैट एक्सीड रुपीज टेन करोड़ फोर परसेंट सेस हर केस में ऐड करेंगे और अगर नॉन रेजन इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हैं आप तो क्या करेंगे टी डी एस रेट शेल बी इंक्रीज बाय सर चार्ज ऑफ टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट जॉब कर रहे हैं पचास लाख से ऊपर है एक करोड़ से ऊपर है दो करोड़ से ऊपर है पांच करोड़ से ऊपर है provided that that in no case on income income tax computed under under gains dividend shall exceed first class दोबारा करकेट की जो इनकम होती है उस पर सरचार्ज कभी भी फिफ्टीन परसेंट से ऊपर नहीं लगता है और हेल्थ एजुकेशन सेल्स फोर परसेंट हर केस में एड किया जाएगा और अगर अदर देन फॉरिन कंपनी अदर देन इंडिविजुअल है तो क्या होगा जो रेट्स ऑफ टी डी एस है पेमेंट जो आप करेंगे पूरे साल में नॉन डेन को डेट एक्सीड वन करो और हेल्थ एजुकेशन सेस हर केस में ऐड करेंगे फोर परसेंट ई वाई ने जो मुझे ऑडिट फीस का बिल दिया होगा बीस लाख का तो मैं धीरे धीरे रिफाइन करता जाऊंगा और इसमें 18% परसेंट जीएसटी एड किया हो, यानी कि थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड जीएसटी एड किया होगा यानी बिल आएगा मेरे पास ट्वेंटी थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड का राइट आप जो मैं टीटीएस काटूंगा किस पे काटूंगा ट्वेंटी लैख पर या थ्री ट्वेंटी लैख ट्वेंटी थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि टीटीएस आप काटेंगे ऑन दिस अमाउंट बिकॉज ये इनकम थोड़ी ही की ये तो आपसे जीएसटी लेकर जमा कर देगी वो तो गवर्नमेंट के पास तो सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया कि जो आप पेमेंट्स करेंगे जिस पर टी डी एस कटना है तो जो जीएसटी कंपोनेंट है उस पर टी नहीं काटा जाएगा अगर जी एस टी बिल में सेपरेटली इंडिकेट किया गया है सो इन दिस केस आई विल बी डिडक्टिंग टी डी एस ऑफ रुपीज टू लैक एंड आई विल पे हाउ मच टू ईवाई टी डी एस काटूंगा 2 lakh and I will pay 21 lakh 60,000 to EY. Important marker here. Page 3. Circular number 23. The board hereby clarifies that wherever, in terms of the agreement or contract between the payer and the payee, the component of GST on services comprised in the amount payable to a resident is indicated separately. Tax shall be deducted at source under chapter 17b. Chapter 17b is chapter of TDS. So, chapter 17b is chapter of TDS. So, tax shall be deducted at source under chapter 17b. 17b means all the sections of TDS. On the amount paid or payable without including such GST on services component. Any GST ko exclude, karke, just a mere example, B 3 plus 300 slug GST, TDS only on rupees 20 lakh. जीएसटी फॉर दिस पर्प शक्लूड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स वगैरह जो जीएसटी की वीरियस कंपोनेंट्स है सो दिस अप्लाइस टू ऑल पेमेंट एग्जाम्पल रेंट प्रोफेशनल फीस यानी पूरे चैप्टर ऑफ टी डीएस में आप जीएसटी पर टीडीएस नहीं काटेंगे सैलरी सेक्शन वन नाइनटी टू यहां पर इंडिविजुअल एच को भी टीडीएस काटना होता है सैलरी पर तो क्या करिए इंप्लॉयर जो है एंप्लॉयर कोई भी हो इंडिविजुअल हो कंपनी हो फर्म हो जो एंप्लॉयी को आप पूरे साल में सैलरी देंगे सो फर्स्ट अप्रैल 21 को आप हिसाब बनाएंगे एम्प्लॉय वन इसको मैं पूरे साल में इतनी सैलरी दूंगा लेस फिफ्टी थाउजेंड स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस चैप्टर सिक्स से डिडक्शन जिसका वो प्रूफ देगा ठीक है ये निकालेंगे आप पूरे साल की सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस चैप्टर सिक्स से वो जो एल में सी जमा करेगा पी पी एफ ए में सो so, एम्प्लॉय से आप डिक्लेरेशन लेते फर्स्ट अप्रैल को ही कि मैं पूरे साल में इतना इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा सो so, इसके बाद सैलरी निकाल लीजिए उस पर टैक्स निकाल लीजिए उस पर सरचार्ज ऐड कर दीजिए एजुकेशन सेस से ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय ट्वेल्व दिस इज द टी डी एस वी डिडक्टेड एवरी मंथ बाय द एम्प्लॉयर सो so, इस चैप्टर को हम वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ेंगे जैसे हम पहले करते थे आपको ब्रीफ करता रहूंगा so, लिखा है कि एनी पर्स। तो यहां पर इंडिविजुअल को भी टीडीएस काटना होगा उसकी प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर क्या थी इेलिवेंट तो आपकी मदर भी अगर सैलरी पे कर रही है आप कह रहे हैं कि मदर सर्वेंट को सैलरी पे करती है किस सर्वेंट की सैलरी साढ़े पांच लाख से ऊपर होती है आपकी मेड है उसकी सैलरी साढ़े पांच लाख थोड़ी होती है क्योंकि सैलरी साढ़े पांच लाख है तो फिफ्टी थाउजेंड डिडक्शन हो गई पांच लाख पांच लाख पे टैक्स बनता ही नहीं है सो कोई भी पर्सन हो चाहे इंडिविजुअल हो अगर आप पे कर रहे हैं सैलरी तो आपको टीटीएस काटने की ऑप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ पेमेंट आप डिडक्ट करेंगे इनकम टैक्स और कैसे करेंगे पूरे साल का टैक्स एस्टिमेट करेंगे फर्स्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर में और जो टैक्स आ गया डिवाइडेड बाय ट्वेल्व दैट इज द टी डी एस टू बी डिडक्टेड एवरी मंथ वन ए वन ए अच्छा एक मिनट ओके चलिए वन ए वन ए अगर एम्प्लॉय कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट्स करूंगा ए वगैरह में तो क्या आपको उसके प्रूफ लेने मैंडेटरी हैं एज एन एम्प्लॉयर इज इट मैंडेटरी फॉर यू टू अपटेन द प्रूफ जैसे एल मिल रहा उसे एल टी सी सेक्शन टेन फाइव में एग्जाम प्रोवाइडेड आपने पैसा स्पेंड किया है रेल टिकट्स एयर टिकट्स वगैरह पर तो क्या आपको एल का एग्जामेशन टेन फाइव में देने के लिए क्या इंप्लॉय से प्रूफ लेने पड़ेंगे लॉ में अमेंडमेंट आई यस लॉ ने कहा सेक्शन टेन की लाइक एलटीसी वगैरह चैप्टर सिक्स की डायरेक्शंस हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आप सेट ऑफ कर सकते हैं इन सैलरी इंप्लॉयर सेट ऑफ कर सकता है <coughs> तो अगर आप कह रहे मेरा लॉस हाउस प्रॉपर्टी में क्या उसका प्रूफ देना पड़ेगा ये तो लॉ में अमेंडमेंट आई कि इंप्लॉयर की ड्यूटी लगाते हैं हम कि अगर वो सेक्शन टेन में कोई एग्जामिशन दे रहे इंप्लॉय को लाइक एल टी सी एल टी ए लाइक ए टी सी ए टी डी वगैरह तो या, या फिर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर सैलरी तो एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि एंप्लॉय से उसके प्रूफ ले एविडेंस ले और नहीं लिए तो हम ये मानेंगे आपने टैक्स गलत काटा है और टैक्स का, गलत काटने की जो इंटरेस्ट पेनल्टीज हैं वो सारी आपके ऊपर लगा देंगे हम नीचे देखिए सेक्शन 192 नाइनटी टू टू डी टी ऑन सैलरी furnishing of proof for claiming deductions the person responsible for making the payment of salary employer shall shall obligation hai. for the purpose of estimating income of the assessee or computing the tax deductible at source obtain from the assessee the evidence the proof the particulars or particulars of prescribed claims including claim for set of losses अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब और इसके प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म होती है अब आप कहेंगे कि एम्प्लॉय फर्स्ट अप्रैल को प्रूफ नहीं देगा कोई बात नहीं उससे आप प्रूफ मान लीजिए जनवरी ट्वेंटी टू में अगर जनवरी ट्वेंटी टू तक भी प्रूफ नहीं देता आप चैप्टर सिक्स से डिडक्शंस या जो भी वो क्लेम कर रहे हैं मत दीजिए टी डी काट लीजिए नॉर्मली फेबररी तक वेट कर लेते हैं नॉर्मली फेबर तक वेट कर लेते कि फेबर तक प्रूफ मिल जाने चाहिए हमें प्रूफ नहीं मिले तो हम फेब्री मार्च की सैलरी से काट लेंगे आप एक मिनट देखिए पेज पर एनालिसिस नाइनटी टू टू डी द एविडेंस प्रूफ पर्पलस ऑफ डिडक्शन एक्जन अलावेंस सेट ऑफ ऑफ लॉसेज क्लेम द एम्प्लॉज सच एज रेंट रिसीव फॉर क्लेमिंग एच आर एग्जेम्पन ऑफ एच आर ए Evidence of interest payments for claiming loss under the head self, self house self house property should be furnished by the employee to the employer. The employer will allow deduction, exemption, set up of losses only if the proofs are furnished by the employee. page three, Page three. सेक्शन वन ए लाया गया एक बात बताइए मैं आपको टेन लैख की सैलरी पे कर रहा हूं मैं आपको टेन लैख की सैलरी पे कर रहा हूं अज्यूम, लेट अस अज्यूम कि इस पर टैक्स बनता है वन लैख और मैं एस एम्प्लॉयर कहता हूं मैं आपका टैक्स जमा कर देता हूं आपका काटता नहीं हूं टैक्स अपनी जेब से जमा कर देता हूं तो अब क्या होगा आपकी सैलरी कितनी मानी जाएगी इलेवन लैख तो अगर टैक्स एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से पे करता है अगर टैक्स एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से पे करता है तो जो टैक्स पे करता है एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से वो एम्प्लॉय की सैलरी मानी जाएगी तो आपको मैंने दस लाख सैलरी दी उस पर टैक्स बना वन लैख मैंने टीडीएस काटा नहीं आपका अपनी जेब से जमा कर दिया तो अब आपकी सैलरी कितनी मानी जाएगी इलेवन लैख गवर्नमेंट एक्सेप्शन लेके आई कि अगर एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी पर्स मिल रहे हैं लाइक like, अकोमोडेशन दे रहे हो उसे आप फर्निश्ड अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दे रहे हैं जो नॉन मॉनेटरी पर्स बन जाते हैं आपके एम्प्लॉयर तो चाहे तो मर्जी है उसकी कंपल्शन नहीं है मर्जी है एम्प्लॉयर चाहे तो ए नॉन मॉनिटरी पर्स पर अपनी पॉकेट से टैक्स पे कर सकता है सो so, अब आप पढ़ेंगे सबसेक्शन वन ए कि एम्प्लॉयर चाहे तो ऑप्शन है जो नॉन मॉनिटरी पर्पज पे कर रहा है को उस पर चाहे तो टैक्स अपनी पॉकेट से दे सकता है और सपोज टैक्स बना सपोज नॉन मॉनेटरी मॉनिटरी जैसे तीन लाख और सपोज इसमें टैक्स बनता है सपोज टैक्स बनता है थर्टी थाउजेंड तो अभी एक सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन टेन टेन डबल सी जहां लॉक जो थर्टी थाउजेंड एंप्लॉयर टैक्स अपनी पॉकेट से दे रहा है वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जाम इनकम है जो जो थर्टी थाउजेंड परपोजेट पर टैक्स बन रहा है एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से दे रहा है वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेमट इनकम है अंदर टेन टेन डबल सी ये थ्री लेख एग्जाम नहीं है थ्री लाख तो सैलरी का पार्ट बनेगी उसकी तो एम्प्लॉयर चाहे तो जो नॉन मॉनेटरी पर्कजिट्स हैं उस पर टैक्स अपनी पॉकेट से बेयर कर सकता है मेरे एग्जाम्पल में नॉन मॉनेटरी पर्क थ्री लाख रुपीस के हैं सो थ्री लाख एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड किया जाएगा और थर्टी थाउजेंड एम्प्लॉय की इनकम नहीं मानी जाएगी ये एग्जाम कर दी गई सेक्शन टेन, टेन टेन डबल सी हाँ एम्पलॉ को इसका क्रेडिट मिल जाएगा इंप्लॉय को जो उसका टैक्स बनेगा उसमें से इसका क्रेडिट मिल जाएगा थर्टी थाउजेंड रुपीज का इनकम ऐड किया जाएगा एम्प्लॉयर थर्टी थाउजेंड टैक्स अपनी पॉकेट से बिया कर रहा है ये इंप्लॉय के हाथ में एग्जाम कम है याद करिए आपने सेक्शन फोर्टी पढ़ा था सेक्शन 40 में पढ़ा था आपने कि जो टैक्स एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से देता है वो डिस अलाउ किया जाएगा एम्प्लॉयर के हाथ में वाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर पीजीपी, बिकॉज एम्प्लॉयर तो इसे सैलरी की तरह बुक कर रहा होगा सो so, जो टैक्स पे कर रहा है अपनी पॉकेट से इल बी डिस इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी वन ए पेज थ्री द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम द नेचर ऑफ परकोजिट विच इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय वे ऑफ नॉन बाई वे ऑफ मॉनिटरी पेमेंट यानी नॉन मॉनिटरी पर्कोजेट रेफर्ड इन सेक्शन सेवेंटी टू में एट इज ऑप्शन मर्जी है कंपल्सन नहीं है <coughs> मे पे एट इज ऑप्शन टैक्स ऑन द होल और पार्ट ऑफ सच इनकम विदाउट मेकिंग एनी डिडक्शन at फ्रॉम एट द टाइम tax सच टैक्स deductible अदरवाइज डिडक्टेबल अंडर सबसे तो एम्प्लॉय चाहे तो नॉन चाहे तो नॉन मॉनिटरी पर्कज पर अपनी पॉकेट से टैक्स पे कर सकता है एंड सिंस वो अपनी पॉकेट से पे कर रहा है इन नॉन मॉनिटरी पर्कजेज पर टीडीएस से काटा जाएगा इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। अब ईशोर उठता है कि नॉन मॉनेटरी पर्पजेज पर टैक्स कैसे निकाला जाए नॉन मॉनेटरी पर्पजेज पर टैक्स कैसे निकाला जाए सेक्शन वन भी आपको आंसर देता है कहता क्या क्या करिए इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालिए टोटल इनकम की बात नहीं कर रहे इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालिए सो कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड सैलरी उस पर टैक्स निकाल लीजिए और फिर एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लीजिए सो इनकम अंडर द हेड सैलरीज निकालिए सपोज इनकम अंडर द हेड सैलरीज आई टेन लैख उस पर टैक्स लगा लीजिए सपोज टैक्स आया वन लैख एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया टेन परसेंट तो आप पर टेन परसेंट टैक्स लगा दीजिए दैट इज अ टैक्स टू बी बॉर्न बाय द इंप्लॉयर फ्रॉम इज ओन पॉकेट सबसेक्शन वन भी समझाता है कि टैक्स और नॉन मॉनिटरी पर्पजे जो इंप्लॉयर अपनी पॉकेट से पे करेगा कैसे निकाला जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स अंडर सबसेक्शन वन ए टैक्स शेल बी डिटर्मिन एट द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स एंड फोर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑन द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इंक्लूडिंग द इनकम रेफर्ड इन सब सेक्शन वन ए द नॉन मोनिटरी एंड द टैक्स सो पेबल शैल बी कॉन्स्टूड एज एफ इट वैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स फ्रॉम द इनकम अंडर दैलरीज एज प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन वन और जो एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से टैक्स पे करेगा उसका क्रेडिट इंप्लॉय को मिल जाएगा इसको समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल पेज सिक्स पर आइए पेज सिक्स एंड एम्प्लॉय गेट्स अ सैलरी ऑफ फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम इज एम्प्लॉयर अपार फ्रॉम द सैलरी ही ऑल्सो गेट्स नॉन मॉनिटरी पर्पजे वैल्यूएशन एज पर रूल थ्री अमाउंट एटी थाउजेंड नॉट टैक्सेबल इनकम ऑन दैट सैलरी से हो गई फाइव फिफ्टी प्लस एटी माइनस स्टैंडर्डक्शन ऑफ फिफ्टी थाउजेंड

ए सी मिल जाएगा आपको चैप्टर सिक्स ए में सिक्सटी थाउजेंड फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी पर टैक्स आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हेल्थ एजुकेशन से एस कर दीजिए टोटल टैक्से सेवनटीन वन सिक्सटी इसको बारह से डिवाइड कर दीजिए फोर्टीन थर्टी इज द टैक्स टू बी डिडक्टेड एवरी मंथ तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनिट्री पर्पज पर अपनी जेब से टैक्स नहीं दिया है वो कह रहा है एम्प्लॉय टैक्स देगा उसका मैं टी डी काट लेता हूँ इलास्टेशन टू देखिएगा इन इलास्टेशन वन द एम्प्लॉयर वॉन्ट्स टू एक्सरसाइज द ऑप्शन रेफर टू इन सेक्शन टू वन ए तो क्या होगा तो देखिए टैक्सेबल इनकम तो 520 ही रहेगी जो टैक्स एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से बिया करेगा दैट इज एग्जैक्ट इनकम इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर टेन टेन डबल सी और वो टैक्स जो है एम्प्लॉयर की जब इनकम निकाली जाएगी एम्प्लॉयर की उसे डिसअलाउ कर देंगे वाइल कंप्यूटिंग स्पीच इनकम तो अब आप एम्प्लॉयर कितना टैक्स का मतलब अपनी पॉकेट से देगा ऑन द पर सबसेक्शन वन भी क्या कहता है कि इनकम अंडर द हेड सैलरीज निकाल लीजिए उस पर टैक्स निकाल लीजिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए द परक्विजिट्स दैट इज द टैक्स ऑन द परक्विजिट्स शुड बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन टू वन द एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द इनकम अंडर सैलरी शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर इनकम अंडर दैलरी फाइव एटी एक्ट नहीं करेंगे अंडर सैलरीज़ निकाल रहे हैं इस पर टैक्स निकला ट्वेंटी नाइन सिक्स फोर्टी सो ट्वेंटी नाइन सिक्स फोर्टी डिवाइड बाई फाइव एटी इंटू हंड्रेड करके देखिए फाइव पॉइंट इलेवन आएगा चेक करिए पॉइंट वन वन नॉन मॉनिटरी थाउजेंड इज फोर थाउजेंड एटी एट तो ये आपका टैक्स एम्प्लॉयर बेयर करेगा और ये आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा एम्प्लॉयर हैज ऑप्शन टू डिपॉजिट टैक्स ऑफ फोर जोरोबल एट फ्रॉम इज ओन पॉकेट नॉर लेटर एम्प्लॉयर डिपोजिट फोर जोरोट फ्रॉम इज ओन पॉकेट

इसमें से एम्प्लॉयर टैक्स बेर कर रहा है फोर जीरोन थाउजेंड सेवेंटी टू आपका टी डी एस कटेगा सो थर्टीन थाउजेंड सेवेंटी टू 1089 बाई थाउजेंड एटी नाइन टी डी एस हर महीने काटेगा एम्प्लॉयर उसकी सैलरी से इंप्लॉय की सैलरी से एम्प्लॉयर जो है अपनी जेब से पे करेगा फोर जीरो डबल एट बाय ट्वेल्व फोर्टी वन एवरी मंथ टू द गवर्नमेंट अब एंप्लॉयी को इतना टी डी एस कट गया इतना एंप्लॉय ने जमा कर दिया इसका क्रेडिट मिल जाएगा एंड देर फोर टैक्स लाइब डीजनेल क्लियर है आप लोग ओके पेज फोर पर आइए नोट वन में हम कह रहे हैं कि हर बंदे को चाहे वो इंडिविजुअल हो कंपनी हो कोई भी हो सैलरी पर टीडीएस काटना होता है इंडिविजुअल की हम पिछले साल की टर्न नहीं देखते हैं नंबर टू हम कह रहे कि टी डी एस काटता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन सैलरी आपने सैलरी कब क्रेडिट की दैट इज नॉट रेलिवेंट नोट थ्री समझ लीजिए मैं पढ़ के नहीं सुना रहा आपने एम्प्लॉयर वन के यहां जॉब की लेट्स से फाइव मंथ्स, यहां से रिजाइन कर दिया फिर आप एम्प्लॉयर टू के यहां जॉब करने आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट सेवन मंथ्स, यहां सैलरी मिली थी आपको सिक्स लैख्स और यहां सैलरी मिल रही है आपको लेट्स से टेन अब क्या यह जरूरी है आपके लिए कि एंप्लॉयर टू को इस सैलरी के बारे में बताएं आंसर इज नो मैंडेटरी नहीं है मैंडेटरी नहीं है तो आप चाहे तो चुप रहे इंप्लॉयर टू जो वो सैलरी पे करेगा टेन लैख उस पर टीडीएस काटेगा फिर एंप्लॉय क्या करेगा रिटर्न फाइल करेगा इन दोनों सैलरी को अपनी इनकम में ऐड करेगा टैक्स निकालेगा टीडीएस लेस कर देगा बाकी खुद पे करेगा एज एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स लो कहते हैं हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि एम्प्लॉयर टू को आप ये सैलरी डिक्लेयर कर सकते हैं जो टीडीएस करता वो डिक्लेयर कर सकते हैं ऑप्शन आपका और अगर आपने एम्प्लॉयर टू को ये सैलरी डिक्लेयर कर दी टीडीएस डिक्लेयर कर दिया फिर एम्प्लॉयर टू की ऑब्लिगेशन है कि दोनों सैलरी को ऐड करेगा उस पर टैक्स निकालेगा टी डी जो कट गया है वो कम कर देगा बैलेंस टीडीएस वो काटेगा क्लियर तो आपका ऑप्शन है कि आप फॉर्मर एम्प्लॉयर की सैलरी जो मिली है न्यू एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज कर सकते हैं, ऑप्शन है लॉ ये भी कहता है कि सपोज आप एम्प्लॉयर ए एम्प्लॉयर बी के साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं पार्ट टाइम पार्ट टाइम कम कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है आप इनमें से किसी को भी जो दूसरे एंप्लॉयर से सैलरी मिल रही है डिस्कलोज कर सकते हैं मर्जी आपकी अगर डिस्कलोज कर दी तो जिस एम्प्लॉय को डिस्कलोज की है वो दूसरे एंप्लॉयर की सैलरी इंक्लूड करके टैक्स निकालेगा जो दूसरे इंप्लॉयर ने टी काटा था वो लेस कर देगा बैलेंस टी काट लेगा ये पॉइंट नंबर थ्री है कह रहा है कि अगर आपको एटी नाइन वन का रिलीफ मिलता है एटी नाइन वन का रिलीफ होता है जब आपको सैलरी मिलती है में या एडवांस में तो आप एटी नाइन वन रिलीफ क्लेम करने के लिए फॉर्म भरना होता है वो फॉर्म भरिए और अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए और आपका जो एम्प्लॉयर है सिंस आपने एटी नाइन वन का रिलीफ का फॉर्म दे दिया है उसे टीडीएस निकालते वक्त एटी नाइन वन का रिलीफ देगा आपको पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव कहता है कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अपने और इनकम्स डिस्क्लोज कर सकता है अदर सोर्सेस वगैरह तो पॉइंट फाइव कहता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अपने और इनकम्स डिस्क्लोज कर सकता है और अगर डिस्क्लोज कर देता है तो इंप्लॉयर उन और इनकम्स को भी इंक्लूड करेगा सैलरी में टैक्स निकालेगा उन और इनकम्स पर टीडीएस कट गया है वो लेस करेगा और बैलेंस टी सैलरी एस काट लेगा लॉ कहता है कि आपके लॉसेस अगर हैं तो एम्प्लॉयर उन लॉसेस को अकाउंट फॉर नहीं करेगा बट अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है वो कंस्ट्रक्ट कर लेगा अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो वो कंस्ट्रक्ट कर लेगा वेयर अ रिसीव्स एनी इनकम देखिए हमें थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज ये तो बड़ा एलिमेंट्री सेक्शन है बहुत टेक्निकल सेक्शंस अभी आएंगे

और जो एम्प्लॉयर है इन अदर इनकम्स को इंक्लूड करेगा आपकी सैलरी में और लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है उसे भी ले लेगा और फिर टैक्स जो आपका डिडक्ट हुआ अदर इनकम से लेस कर देगा और आपका टैक्स निकाल लेगा और वो टी काट लेगा लेकिन लेकिन लॉ कहता है अदर इनकम दिखाने से आधार इनकम्स दिखाने से और आधार इनकम्स पर टीडीएस जो लिया है हमने वो इंक्लूड करने से अगर आपका टीडीएस कम हो रहा है एक मिनट अगर सैलरी पर टीडीएस एक लाख बन रहा था सैलरी पर टीडीएस एक लाख बन रहा था आधार इनकम्स आदर टी डी एस अकाउंट करने से सैलरी पर इनकम टीडीएस नब्बे हजार बन रहा नाइनटी थाउजेंड तो लॉ कहता है फिर अदर इनकम्स टी डी एस नहीं लिया जाएगा यानी अदर इनकम्स टीडीएस दिखाने से अगर जो नॉर्मल टीडीएस ऑन सैलरी बनता है विदाउट अदर इनकम्स अदर टीडीएस वो कम हो जाता है तो हम अदर इनकम्स अदर टीडीएस को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे एम्प्लॉयर एक्सेप्ट लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी यानी लॉस अंडर द हाउस प्रॉपर्टी से आपका टीडीएस कम हो सकता है हाउ एवर This shall not in any case have the effect of reducing the tax deductible except because of house property laws. Below the amount that would be so deductible if other income and TDS had not been taken into account, for example. मेरी सैलरी की हेडकिंग हमारी है फोर फिफ्टी इंटरेस्ट रिसीव किया कंपनी से वन लैख और कंपनी ने टू जीरो सिक्स डबल ए में ट्वेंटी परसेंट एजिस काट लिया है जो इंटरेस्ट पे किया था टोटल इंकमेस्ट फाइव फिफ्टी टैक्स बना आपका कितना ट्वेंटी थाउजेंड और टीडीएस कितना कट गया आपका ट्वेंटी थाउजेंड इस पर टैक्स तो बना पांच दिन दस वन सेकेंड एक मिनट देखेंगे प्लीज ये बना बस ठीक है ना टैक्स बना आपका 550 बना आ, पहले आ, पांच लाख पे बनता है बारह सौ अगले पचास हजार पर बीस परसेंट पांच बाईस सौ इस पे चार पर्सेंट वो एड कर दीजिए सेस 900, तो सो ट्वेंटी थ्री फोर हंड्रेड टीडीएस काट के आपका बीस हजार तो चौंतीस का का टीडीएस काटा जाएगा और देखिए अगर आपने अदर इनकम्स, अदर टीडीएस नहीं दिखाया होता तो क्या होता सैलरी पर टीडीएस बनता ही नहीं बिकॉज फोर फिफ्टी की सैलरी पर दर इज नो टैक्स तो यहां पर डिडक्टर शेल डिडक्ट टी ऑफ थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ही शेल कंसिडर द इंटरेस्ट इनकम ऑफ वन लेस ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड एज इट डज नॉट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी विच इज हाँ अगर टीडीएस ऑन अदर इनकम्स लेने से मेरा टी डी एस ऑन जो सैलरी बनता है नॉर्मली विदाउट टेकिंग अदर इनकम्स इन अकाउंट वो कम हो जाता है तो अदर इनकम स्टीडियस नहीं लिया जाएगा <coughs> पॉइंट सिक्स पढ़िएगा एली एक एली फॉरेन कंपनी थी उसकी इंडिया में एक सब्सी थी एली लिली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहां से कुछ एम्प्लॉयज यहां भेजे गए यहां से कुछ एम्प्लॉयज यहां भेजे गए डेप्यूटेशन पर और इन्होंने मान लीजिए काम किया फ्रॉम वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से लेकर लेट से 30 जून ट्वेंटी वन तक इंडिया में काम किया इंडिया में काम किया है तो फॉरेन कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज इसको डेप्यूटेशन भेज दिए और अब लेट से एम्प्लॉय को पचास लाख की सैलरी पे कर रही है एलिलिली इंडिया ये सैलरी एम्प्लॉय के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल है बिकॉज दे आर वर्किंग इन इंडिया चाहे नॉन रेसन भी हैं आप बट सिंस द सर्विसेज आर रेंडेड इन इंडिया सो दिस सैलरी इज टैक्सेबल इन इंडिया नो डाउट अबाउट इट नो डाउट अबाउट इट यानी एली लिली इंडिया इस पचास लाख की सैलरी पर टी डी एस काटेगी इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है जिस पीरियड के लिए ये फॉरेन एम्प्लॉयज इंडिया में काम कर रहे हैं जिस पीरियड के लिए ये फॉरेन एम्प्लॉयज इंडिया में काम कर रहे हैं एली लिली फॉरेन कंपनी एली लिली फॉरेन कंपनी इन एंप्लॉयज को लेट्स से एम्प्लॉय जर्मनी से आया है एम्प्लॉय लंडन से आया है इस पीरियड के लिए जो फॉरेन कंपनी है इन एम्प्लॉज को जर्मनी में लंदन में दे रही है कुछ स्पेशल अलावेंसेस एजुकेशन इस पीरियड के लिए दे रही है और यह बातें डेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी तो डेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट था वहां फॉरेन कंपनी ने कहा था कि हम अपने इंप्लॉयज यहां भेज रहे हैं इनको आप इस पीरियड के लिए इतनी सैलरी देंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा था कि हम इस पीरियड के लिए कुछ स्पेशल अलावेंस होते हैं जो एली फॉरन कंपनी पे करेगी इन जर्मन इंप्लाइज को लंडन इंप्लाईज को लेट से टेन लैक इन द बैंक अकाउंट यानी ये बात इस कंपनी को मालूम थी बट इस कंपनी ने टीडीएस काटा सिर्फ पचास लाख पर एओ कहता है जी ये जो दस लाख मिला है इन एम्प्लॉयज को फ्रॉम द फॉरन कंपनी फ्रॉम द फॉरन कंपनी चाहे लंदन में मिला है जर्मनी में मिला है एज स्पेशल अलावेंस रिटेंशन अलावेंस एज द पॉलिसी ऑफ दिस फॉरन कंपनी बट ये रिलेट uh, करता है टू द पीरियड व्हेन दे आर वर्किंग इन इंडिया और ये कंपनीज बात को जानती थी एंड देर फो इंडियन एज कि एली लिली इंडिया को क्या करना चाहिए था ये दस लाख ,00 के अलावेंसेस इनकम इंक्लूड करती इस पर टैक्स निकालती और वो टीडीएस काटना चाहिए था अब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ए बिल्कुल ठीक बोल रहा है ये जो बाहर पैसा मिल रहा है इंप्लॉइज को इस कंपनी की नॉलेज में है इस कंपनी की नॉलेज में है कि ये पैसा मिल रहा है फॉर रेंडरिंग वेन दे आर रेनरिंग सर्विसेज इन इंडिया एंड दे एज पर सुप्रीम कोर्ट इंडियन कंपनी एली लिली की ड्यूटी बनती थी इस दस लाख को भी सैलरी में इंक्लूड करें, उस पर टीडीएस काटे नहीं काटा तो टीडीएस कम काटने पर ना काटने पर अब असेस इन डिफॉल्ट बन जाते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपको असेस इन डिफॉल्ट बना देते हैं हम उसके लिए आपको इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ती इंपॉर्टेंट बात करिए फॉरन कंपनी सेकेंडेड सम एम्प्लॉयज टू इंडियन ज्वाइंट वेंचर दैट इज असि Home salary and special allowances like educational allowance, retention allowance was paid by the foreign company abroad for rendition of services in India and no work is found to have been performed for foreign company by such employees during this period. Assessi has not deducted tax at source on home salary, special allowances, educational allowance, retention allowance that is payments made outside india in foreign currency by the foreign company head office to the expatriate employees in india the question arose before the supreme court as to that whether indian assessee was required to deduct tds under section 192 on the home salary special allowances paid by the foreign company abroad for rendering services in india is case most important mark karie? इस केस को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए एग्जाम में आ चुका है दो तीन बार द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द होम सैलरी एंड स्पेशल अलावेंसेज मेड बाय द फॉरेन कंपनी अब्रॉड इज फॉर रेंडिशन ऑफ सर्विसेज इन इंडिया एंड इफ नो वर्क इज फाउंड टू हैव बीन परफॉर्म फॉर द फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया Then such payment would certainly come under section 192 of the income tax act. The Supreme Court held that tax deductor assessee was duty bound to deduct tax at source under section 192.1 from the home salary, special allowances paid abroad by the foreign company, particularly when no work stood performed for the foreign company and the total remuneration. स्टोट पेड ऑन योन अकाउंट ऑफ सर्विस इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड इन क्वेश्चन ओके केस भी इंपॉर्टेंट आई टी आईटीसी लिमिटेड आप होटल्स में जाते हैं वहां ठहरते हैं तो इंप्लॉइज को टिप्स देते हैं जो आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स है वो गेस्ट को बोलता है कि प्लीज टिप्स मत दीजिए एम्प्लॉयज को क्योंकि एम्प्लॉयज टिप्स लेकर अंडियो फेवर करते हैं कस्टमर को तो आईटीसी वालों ने बैन किया कि कोई भी जो रहने आता होटल में ही विल नॉट गिव टिप्स टू द एंप्लॉज हाँ ये कर सकते हैं आपका बिल एटीन थाउजेंड नाइन नाइनटी टू का बना तो आप बिल में टिप्स ऐड कर देते हैं कर सकते हैं 500 सौ देने देना चाहते हैं 500 रुपये ऐड कर दीजिए और हमें आप इतना पे कर दीजिए हम बाद में ये टिप्स बांट देंगे अपने एम्प्लॉयज को सो तो आई टी सी ग्रुप यही करता है होटल ग्रुप कि कस्टमर्स को बोलता है कि अगर आपने टिप्स देनी है तो टिप बिल में ऐड कर दीजिए हमें टोटल पेमेंट कर दीजिए हम ई पर ये टिप्स बांट देंगे अपने एम्प्लॉयज को अब बताइए क्या इश्यू उठा होगा आईटीसी ने टिप्स की तरह से अराउंड फिफ्टी लेख कलेक्ट किया और ये इंप्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो टिप्स बांटे इंप्लॉयज को उस पर टीडीएस नहीं काटा एओ कहता है ये तो सैलरी फॉर्म में इंप्लॉयर पेमेंट कर रहा है ये तो मैं सैलरी मानूंगा इस पर टीडीएस कटना चाहिए था मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया इंपॉर्टेंट मार्क करिए आईटीसी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी आईटीसी सुप्रीम कोर्ट टिप्स कलेक्टेड बाय द होटल फ्रॉम द कस्टमर्स एंड पे टू द इंप्लॉइज डिड नॉट अमाउंट टू सैलरी सुप्रीम कोर्ट ने यह सैलरी नहीं है

held that since tips were received by the employer in a fiduciary capacity as trustee for payments that were received from customers which they disbursed to the employees for service rendered to the customer there was therefore no reference to contract of employment when these amounts were paid by the employer to the employee since contract of employment not being proximate cause for receipt of tips by the employee from the customer सेम वुड बी आउटसाइड द लेगनेट ऑफ सेक्शन फिफ्टीन सेवनटीन यानी सैलरी की तरह टैक्सीबल नहीं है दिप्स डिजबर्स टू एम्प्लॉय कुट बी चार्जक्ट सैलरी एंड देर द एम्प्लॉय वॉज नॉट लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सच पेमेंट तो टिप्स वैसे भी जो मिलती है इट्स नॉट टैक्सबल इन देंड्स ऑफ द एम्प्लॉय ओके सो रेस्ट आप पढ़ लीजिएगा इसमें कुछ खास नहीं है छोटा मोटा बच्चे को पढ़ लीजिएगा सो so, 192 नाइंटी टू वी हैव डन चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करते हैं 194 सी पेज ट्वेंटी पेज ट्वेंटी अगर कोई पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेमेंट करता है पेई को सो कोई पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेमेंट करता है पेई को तो पेई को हम बोलेंगे सेक्शन में कॉन्ट्रैक्टर तो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है पे को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो टीडीएस काटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर वन परसेंट अगर पे इज इंडिविजुअल और एच और टीडीएस काटेगा एट द रेट ऑफ टू परसेंट इफ पे इज अदर देन इंडिविजुअल एंड एचव एफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इट इज नॉट नेक्ट शुड राइटिंग इट शुड बी अ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट इट कैन बी अंट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ लेबर फॉर सर्विसेस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ लेबर इसमें आ जाएगा सो so, आपको टी डी एस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ वन पर्सन अगर आप पेमेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल एच यूएफ को टू परसेंट अगर आप पेमेंट करें टू अदर देन इंडिविजुअल एच यूएफ सो टीटीएस काटने की ऑब्लिगेशन होती है आपकी टीटीएस काटने की ऑब्लिगेशन होती है आपकी अगर कॉन्ट्रैक्ट थर्टी थाउजेंड रुपीज एक्सीड कर रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट थर्टी थाउजेंड से ऊपर एक्सीड कर रहे है, तो टीडीएस काटना होगा लोगों ने इसे मिस यूज किया लोगों ने क्या किया ट्वेंटी नाइन थाउजेंड के हंड्रेड कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कॉन्ट्रैक्ट स्प्लिट कर दिए और पेमेंट की कितनी 29,000, 290, ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू नाइनटी ट्वेंटी नाइन लाख की पेमेंट कर दी और कहा टीडीएस की ऑब्लिगेशन नहीं है बिकॉज ईच कॉन्ट्रैक्ट दस नॉट एक्स थर्टी थाउजेंड लॉ मेकर्स अमेंडमेंट लेके आए कि टी डी एस आपको काटना होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्स थर्टी थाउजेंड या फिर जो आप वेरियस कॉन्ट्रैक्ट दे रहे एक पर्सन को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो आप वेरियस कॉन्ट्रैक्ट दे रहे एक पर्सन को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ दैट एक्सीड वन लैख देन टीडीएस काटना पड़ेगा आपको यानी अगर 25 पच्चीस हजार के पांच कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कितना हो गया वन लाख ट्वेंटी फाइव एक लाख सोपर है टीडीएस काटना पड़ेगा आप अभी सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे सो एनी टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स ये सारे सेक्शन हैं अब जहां आप रेजिडेंट को पेमेंट करेंगे नॉन रेजिडेंट पेमेंट्स आर गवर्न बाय सेक्शन वन नाइनटी फाइव एनी पेइंग एनी सम टू अ रेजिडेंट हेयर एन आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर्ड एज कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन पर्सन और कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द स्पेसिफाइड पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन में कौन नहीं आएगा इंडिविजल एच्यूफ नहीं आएंगे आपको मदर मदर बट स्पेसिफाइड पर्सन में मदर इंडिव्यूजल कब आएंगे अगर प्रिसीडिंग या टर्न ओवर एक्सीडेड हंड्रेड लैक्स इन केस ऑफ बिजनेस फिफ्टी लैक इन केस ऑफ प्रोफेशन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम कॉन्ट्रेक्टर विच एवियर डिडक्ट टी डी एस वन परसेंट जहां पेमेंट कर करे क्रेडिट कर करे इंडिविजुअल एच को टू परसेंट जहां पेमेंट करे क्रेडिट करे किस किसको अदर देन इंडिविजुअल को नंबर टू वही आगे देखिए आप कॉन्ट्रेक्टर को क्रेडिट करने की जगह एक्सपेंस पेबल को क्रेडिट कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं वो कहते हैं कुछ भी करिए हम ये मानेंगे दैट दिस इज अ क्रेडिट टू द कॉन्ट्रेक्टर एंड देयरफॉर फो यू रिक्वायर टू डिडक्ट टी डी एस अच्छा स्पेसिफाइड पर्सन मैंने क्या बताया स्पेसिफाइड पर्सन में कौन नहीं आएगा आपकी मदर नहीं आएगी यानी जो पेयर है अगर इंडिविजुअल एच यू एफ है तो नहीं आता लेकिन वो आता है अगर प्रेसिडिंग टर्न ओवर एक्सीडेड हंड्रेड लैक्स इन बिजनेस फिफ्टी लैक इन प्रोफेशन पेज ट्वेंटी वन पर देखिएगा एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन स्पेसिफाइड पर्सन शैल मीन ऑल पर्सन इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रही है वो भी टी डी एस काटेगी गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरन स्टेट फॉरन एंटरप्राइज एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया हाउ एवर एंड इंडिविजुअल एच यू एफ शैल बी लाइबल टू डिडक्ट टी डी एस इफ ही हैजोटल सेल्स ग्रॉस इज ही टर्न ओवर फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कैरियड ऑन बाई एम एक्सीडिंग वन करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस फिफ्टी लैक केस ऑफ प्रोफेशन कब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिस्टरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सम इज क्रेडिट पेड टू द अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्टर जो मैंने शुरू में बातें बताई थी सारी आ रही है आपकी ओके, फिफ्थ देखिएगा पॉइंट फाइव नो डिडक्शन शिलिमेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनी सम क्रेडिटेड पेड और लाइक टू बी क्रेडिटेड ऑफ पेड टू द अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इफ सच सम डज नॉट एक्स रुपीज थर्टी थाउजेंड सो थर्टी थाउजेंड पर कॉन्ट्रैक्ट आपको टीडीएस नहीं काटना लेकिन प्रोवाइडेड ट वे द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ सम्स क्रेडिटेड पेड फॉर लाइक टू बी क्रेडिट ऑफ पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल एक्सीज वन लैक तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा पूरे अमाउंट पर फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पेज ट्वेंटी थ्री पेज ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर देखेगा टू प्रिवेंट द स्प्लिटिंग अप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट

सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़ थाउजेंड इन द ईयर कटेगा तीस हजार से है सो फोर्टी थाउजेंडी डी वन परसेंट टू परसेंट फाइव ऑफ़ थाउजेंड इच इन ईयर नो टी डी एस सिक्स कॉन्ट्रैक्ट ट्वेंटी थाउजेंड इन ईयर, इच एक लाख बीस हजार सो एक लाख बीस हजारेक्ट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड ई एक लाख सेक्सीड नहीं कर रहा तीस हजार सेक्सीड नहीं कर रहा टीडीएस नहीं कटेगा ओके okay. अब हम एक बात करते हैं हम आप विश्वास नहीं करेंगे बट इंडस्ट्री ऐसे चलती है बहुत लिटिगेशन हुई जॉब वर्क पर जॉब वर्क पे टीडीएस कटना चाहिए यस बट व्हाट इज जॉब वर्क व्हाट इज जॉब वर्क देखिए क्या होता है आज ब्लैकबेरी शर्ट्स बनाता है शर्ट्स बनाता है एक पहले एक जनरल एग्जांपल लेते हैं जॉब वर्क सपोज जो एबीसी कंपनी है किसी को जॉब वर्क दे रही है और 70 लैख का मेटल दे रही है जॉब वर्कर को और जॉब वर्कर को क्या कहती है कि इस मेटीरियल को आपको इस तरह से काम करना है इस पर फैब्रिकेशन करनी है ये करना है और जॉब वर्कर को हम देंगे सिक्स लाख रुपीस फॉर दिस जॉब यानी एबीसी कंपनी को जॉब वर्क कराना है कुछ मेटेरियल है उसकी फेब्रिकेशन करानी है तो ए बी सी कंपनी जॉब वर्कर को सेवेंटी लैख का रॉब मेटल दे रही अपना कि इस पर जॉब वर्क करिए ये इस तरह का काम करिएगा उस काम के आपको छ लाख मिलेंगे तो क्या प्रैक्टिकली ए बी सी कंपनी जब इस जॉब वर्कर को सेवेंटी लैख का मेटल देती होगी तो क्या इस जॉब वर्कर पर सेवेंटी लाख का डेबिट नोट रेस कर देती होगी यस yes. hmm. तो एबीसी पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है तो कोई अगर जॉब वर्क के लिए अपना मेटल दे रहा है तो जॉब वर्कर पर डेबिट नोट रेस कर देता है सेवन लाख रुपीज का इसलिए रेस करते हैं कि कल को अगर मेटल चोरी हो जाता है इसके यहां से तो इससे हम सेवेंटी लाख वसूल करेंगे अगर ये मेरा मेटल खराब कर देता है इससे सेवेंटी लाख वसूल करेंगे और अगर ये जॉब वर्क प्रॉपर करके दे देगा जब दे देगा तो उसे क्रेडिट नोट दे, दे देंगे सेवेंटी लाख रुपीज का पूरी इंडस्ट्री ऐसी चलती है पूरी इंडस्ट्री ऐसी चलती है सो जॉब वर्क में क्या होता है जब ये कंपनी जॉब वर्क देती है तो जितने का मेटेरियल सप्लाई कर रही है इसको जिसपे जॉब वर्क किया जाएगा प्रैक्टिकली जॉब वर्कर को उसका डेबिट नोट इशू कर देती है कि हम आपको डेबिट कर रहे हैं। आपने काम सही करके दे दिया फिर हम सत्तर लाख का क्रेडिट नोट दे देंगे और छह लाख आपको आपका जॉब वर्क चार्जेस दे देंगे तो आइडियली टीडीएस सिक्स लैक्स पे कटेगा आइडियली टीडीएस सिक्स लैक्स पे कटेगा ऐसा होता है हंड्रेड परसेंट ऐसा होता है अब क्या होता है इस केस में अगर जॉब वर्कर जब काम कंप्लीट कर देता है बिल रेस करता है कि 70 लैख जो आप मुझे डेबिट नोट दिया था वो रिवर्सल प्लस छह लाख के मेरे जॉब चार्जेस तो क्या आप टीडीएस सेवेंटी सिक्स लैक्स पर कटेगा इस तरह के डिस्प्यूट्स होते थे डिस्प्यूट्स होते थे तो जॉब वर्क क्या होता ये डिफाइन नहीं था इन लोगों ने वन पेज ट्वेंटी पे लिखा है क्या वन नाइनटी फोर सी में टीडीएस काटा होता है अगर कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी काम कर रहा है कुछ भी वर्क कर रहा है वर्क में जॉब वर्क भी आ जाएगा आइएगा पेज ट्वेंटी वन पे वर्क की डेफिनेशन देखिए सो वर्क अगर कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उस वर्क पर टीडीएस करता है उस अमाउंट जो उसके लिए पेमेंट दी जाएगी वर्क का मतलब क्या है वर्क शेल इंक्लूड वर्क शेल इंक्लूड यानी अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स वर्क शैल इंक्लूड ए बी सी डी हम बाद में पढ़ लेंगे ई पढ़िए वर्क शेल इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट ये जो वर्ड्स इन बोल्ड है इनको मत पढ़िएगा ये वर्ड्स इन बोल्ड मत पढ़िएगा ये अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट एक्टी से इसे मत पढ़िएगा अभी वर्क शेल इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर कस्टमर इज एबीसी एबीसी तो जॉब वर्क का कुछ काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग का सप्लाइंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए बी सी दैट इज जॉब वर्क दैट इज वर्क सो वर्क शेल इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर कस्टमर इज ए बी सी बाय यूजिंग द मेटीरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर बाय यूजिंग द मेटीरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर तो देखिए जो मैंने आपको बातें बताई वो ही लॉ बन गया तो बेसिकली ये दिखाया जाता है कि परचेस हो रही है ताकि अगर ये मेटल खराब कर देता है इसे सत्तर लाख रिकवरी कर लेगी कंपनी एबीसी तो अगर यही माल दे रही है अगर यही प्रोडक्ट नॉर्मल दे रही है कस्टमर दे रहा है और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन देन दिस इज जॉब वर्क बट एबीसी कंपनी इसको बोलती है कि मेटीरियल कहीं और से खरीद ले मेटीरियल कहीं और से खरीद ले और फिर हमारे हिसाब से प्रोडक्ट बना दे काम कर दे और हम आपको 76 सिक्स लाख रुपए दे देंगे दैन दिस इज नॉट वर्क फिर तो ये सेल मानी चाहिए अगर ए बी सी कंपनी जॉबर को बोलती है हम सत्तर लाख का मेटल सप्लाई नहीं कर रहे हैं। सत्तर लाख का मार्केट से मेटल परचेज कर लीजिए उस पर हमारे इस हिसाब से काम करिए और फिर हमें सप्लाई कर दीजिए तो लॉ कहता है दिस इज नॉट जॉब दिस इज़ अ सेल, दिस इज अ सेल और सेल पर कभी टीडीएस नहीं होता है कितना शुभ लॉ बनाया इन्होंने देखिए तो जॉब वर्क का माना जाएगा जब कस्टमर ही मेटल सप्लाई कर रहा है ABC in my case. So work shall include manufacturing or supplying a product. Work shall include is your manufacturing or supplying a product according to the requirements or specification of a customer, ABC, by using the metal purchased on such customer. बट डज नॉट इंक्लूड बट डज नॉट इंक्लूड मैनुफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑन कस्टमर बाय यूजिंग द मेटीरियल परचेज फ्रॉम अ पर्सन अदर देन सच कस्टमर यानी जो कस्टमर जॉब वर्क करने के लिए कह रहे हैं एबीसी अगर वो मेटल सप्लाई नहीं कर रही मेटेरियल कोई और से परचेज किया जा रहा है बाय जॉब वर्क दिस इज नॉट जॉब वर्क दिस इज सेल बाय दो कॉल जॉब जॉब वर्कर तो जॉब वर्क वर्क जॉब वर्क वर्क की डेफिनेशन में आ जाएगा अगर जॉब वर्कर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर एबीसी यूजिंग द मटेरियल परचेज फ्रॉम द एबीसी कस्टमर बट डज नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चर और सप्लाइंग द प्रोडक्ट

एबीसी जॉब वर्कर को काम दे रही है ठीक है मान लीजिए सत्तर लाख का रॉ मेटल दे रही है और जॉब वर्कर इस पर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम कर रहा है और छह लाख का चार्जेस ले रहा है देन दिस इज वर्क This comes in the definition of work, and therefore देर फोर टी डी रिक्वायर be deducted. अब इन दोनों ने मिलकर planning की देखिये अगर एक मिनट अगर ए बी सी जॉवरकर को बोलती कि एक्स वाई जेड से सत्तर लाख का मेडल परचेज कर ले छह लाख हम आपको चार्जेस देंगे हमारे हिसाब से काम करने के हम इस सेवेंटी सिक्स का बिल रेस कर दीजिए फिर लॉ कहता देन दिस इज नॉट वर्क दिस इज नॉट जॉब वर्क दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क ये तो सेल है बाय द सो कॉल जॉब वर्क सेल पर टीडियस नहीं लगता अब ये ऐसा होना है एबीसी ने मेटेरियल सप्लाई करना है Hold कर देता और जॉब वर्कर ने काम करना है टीडीएस काटने का ऑब्लिगेशन है ये दोनों मिलकर स्कीम बनाते हैं कि टीडीएस ना काटे एबीसी क्या करती है इसकी एक सबसी कंपनी है हंड्रेड परसेंट सबसी वर्कर को बोलती है कि इससे माल खरीद ले इससे माल खरीद ले और फिर इस तरह के काम कर हमारे स्पेशल आपसे तो अब क्या था ये टीडीएस के नेट से बाहर निकल रहा था बिकॉज टीडीएस तब लगता है जब कस्टमर ही माल सप्लाई कर रहा हो सेल कर रहा हो आपको डॉ तो लोगों ने टीडीएस से बचने के लिए क्या किया इसको बोला कि परचेज कर ले फ्रॉम अवर एसोसिएट एंटरप्राइज जो हमारा क्लोजली लिंक पर्सन है तो अब एबीसी खुद ना परचेज करके अपनी सब्सी से कहते हैं परचेज करके इसको दे दे ताकि टीडीएस के नेट से बच जाए एंड दे फोर फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ने लॉ चेंज किया उन्होंने कहा हम जॉब वर्क मानेंगे जॉब वर्क मानेंगे टी कटेगा अगर जॉब वक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सप्लाइंग कर रहा है प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड कस्टमर बाय यूजिंग द मेटल सप्लाइड परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और इट्स एसोसिएट। सो अगर कस्टमर मॉल सप्लाई कर रहा है एबीसी तो भी जॉब वर्क है और अगर एसोसिएट ऑफ कस्टमर मेटल सप्लाई कर रहा है देन दिस इज ऑल्सो जॉब वर्क एंड वॉट इज एसोसिएटेड एसोसिएट पर्सन जो हमने फोर्टी एट किया था ना स्पेसिफाइड पर्सन कंपनी के लिए डायरेक्टर फर्म uh, के लिए पार्टनर्स कंपनी के लिए उसकी सबसी कंपनी वो सारे एसोसिएट पर्सन सो अगर माल सप्लाई कर रहा है जॉब वर्क को एबीसी या एबीसी का कोई एसोसिएट देर्क टी डी एस कटेगा इट्स एसोसिएट बी अ पर्सन प्लेस सिमिलरली इन रिलेशन टू सच कस्टमर एज द पर्सन प्लेस इन रिलेशन टूसर प्रोविजन ऑफ फोर्टी एट टू फोर्टी एट हमने स्पेसिफिट पर्सन किए थे बट डज नॉट इंक्लूड। जॉब वॉब में नहीं आएगा जहां मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई हो रही है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक कस्टमर बायसिंग मेटल परचेज फ्रॉम अ पर्सन अदर दन द कस्टमर और एसोसिएट ऑफ दिस कस्टमर तो इस केस में फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी के अमेंडमेंट से पहले टीडीएस नहीं कटता था इसे जॉब वर्क नहीं मानते थे बट एबीसी खुद सप्लाई करके अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज सप्लाई करवा रहा है तो उन्होंने कहा हम इसको जॉब वर्क मानेंगे अगर कस्टमर सप्लाई करता है या कस्टमर का कोई एसोसिएट सप्लाई करता है जॉब वक हम नहीं मानेंगे अगर ये काम कर रहा है इनके स्पेसिफिकेशन हिसाब से

मेमोरेंडम एक्सप्रिय द फाइनेंस बिल फर्स्ट पैराम ये कह रहे हैं कि लॉ कहता है कि जॉब वर्क तब माना जाता है जब जॉब वर्कर को कस्टमर मेटीरियल सप्लाई करता है और अगर जॉब वर्कर कस्टमर के अलावा किसी से मेटल परचेज कर रहा है देन देट इज नॉट जॉब वर्क इट हैज बिन नोटेड एट समूजिंग द एस्केप क्लॉज ऑफ द सेक्शन By getting the contract manufacturer to procure the raw material supplied through its related parties. As a result, tedious. <coughs> Therefore, to bring clarity in the section and to plug the leakage, <coughs> it is proposed to amend the de definition of work to provide that in a contract of manufacturing, the raw material provided by the assessee. और इट्स एसोसिएट शेल फॉल विद इन द पर व्यू ऑफ वर्क वापिस आ जाइए पेज ट्वेंटी पेज ट्वेंटी तो जॉब वर्क पर टीडीएस कटेगा जॉब वर्क का माना जाएगा पेज ट्वेंटी वन अगर जॉब वर्क अगर काम कर रहा है एज पर द स्पेसिफिक द कस्टमर एबीसी बाय यूजिंग द मेटेरियल परचेज फ्रॉम द कस्टमर और इट्स एसोशिएट एंटरप्राइजेस रिलेटेड बट अगर जॉब वर्कर काम कर रहा है बाय परचेजिंग द मेटर फ्रॉम अदर देन कस्टमर अदर देन ए बी सी एंड अदर देन द रिलेटेड पार्टीज ऑफ ए बी सी देन इट इज नॉट अ जॉब वर्क इट्स अ सेल वापिस आइए पेज ट्वेंटी सब सेक्शन थ्री देखिएगा एबीसी ने जॉब वर्कर से काम कराया और कहा एक आउटसाइड पार्टी है जो एबीसी से रिलेटेड नहीं है उससे सत्तर लाख का माल खरीद ले और छह लाख का हम आपको वर्क चार्जेस देंगे तो अब सेवेंटी सिक्स लैक्स तो सेल मानी जाएगी वर्क नहीं माना जाएगा सेल पर नहीं होता अगर एबीसी खुद सत्तर लाख का मेटल सप्लाई कर रही है इसको डेबिट नोट रेस कर दिया देन दिस इज जॉब वर्क चार्जेस टीडीएस कटेगा कितने पर सिक्स लैक्स पर देखिएगा पी एच ट्वेंटी सबसेक्शन थ्री वे आर एनी सम इज पेड और क्रेडिटेड फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क मैंशन इन सब क्लॉज ई ऑफ क्लॉस थ्री ऑफ द एक्सप्लेनेशन ये वाला ये वाला केस सत्तर लाख का मेटल सप्लाई किया सिक्स लाख चार्जेस हैं तो आप बताएंगे टी डी एस किस अमाउंट पे कटेगा सेवेंटी लैख पर सेवेंटी सिक्स लैक्स पर या सिक्स लैख्स पर वेयर एनी सम इज पेड और क्रेडिटेड फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन मैं सब क्लॉस ई ऑफ क्लॉस थ्री ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द इन वॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मेटीरियल ए वैल्यू ऑफ मेटीरियल इंडिकेटेड सेपरेटली इन द इनवॉइस तो अगर जॉब वर्कर इनवॉइस वॉय रेस कर रहा है मेटीरियल इस वाले केस में जहां कस्टमर ने ही मेटर सप्लाई किया है तो कस्टमर जब सप्लाई करता है इसको डेबिट कर देता है ताकि माल खराब हो जाएगा तो रिकवरी कर लेगा इससे सत्तर लाख की तो अगर जॉब वर्कर बिलिंग कर रहा है सेवनटी लैख सेपरेट सिक्स लैख सेपरेट दीरियस ऑन सिक्स लैख ऑन द इन वॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल यानी सिक्स लैक्स पर इफ सच वैल्यू इज मैंशन सेपरेटली इन द इन वॉयस बायोफिकेशन की हुई है बट अगर बायोफिकेशन नहीं किया होल ऑफ द इन वॉयस वैल्यू इफ वैल्यू मेटल इज नॉट मैंशन सेपरेटली इन द इन वॉयस आइएगा पेज ट्वेंटी टू पर एज ट्वेंटी टू अच्छा अगर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया तो मैं आपका 194 सी में टीडीएस काटूंगा आप आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो आगे आपने सब कॉन्ट्रैक्ट किया उस पर आप टीडीएस काटेंगे सो तो पहले लॉ में डिस्टिंक्शन होती थी सब कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई डिस्टिंक्शन नहीं है तो जो मैंने आपको काम दिया दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड यू आपने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द सब कॉन्ट्रैक्टर उसमें भी वन एटी फोर सी एनालिसिस का कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं है कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स सब कॉन्ट्रैक्ट थ्री डेफिनेशन ऑफ वर्क एक्सपेंड की गई जॉब वर्क उसमें इंक्लूड कर दिया गया जॉब वर्क क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग द मेटल फ्रॉम सच कस्टमर और एसोसिएट ऑफ दिस कस्टमर हाउ इट इट नॉट इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट द कस्टमर बायसिंग द मेटल परचेज फ्रॉम अदर दैन सच कस्टमर और अदर देन एसोसिएट ऑफ सच कस्टमर टीटीएस कटेगा अगर आपने सत्तर लाख छह लाख अलग अलग दिखाया है तो छह लाख पे कटेगा और अगर आपने 76 सिक्स दिखा दिया है तो 76 सिक्स लैक्स पे कटेगा एलो वन ब्लैकबेरी लिमिटेड क्लॉथ टू मिस्टर शर्ट एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय ब्लैकबेरी तो कपड़ा खुद ब्लैकबेरी दे रही है और प्रैक्टिकली ब्लैकबेरी क्या करेगी जॉब वर्कर को कपड़ा है बीस लाख का नहीं। कपड़ा है पचास लाख का पचास लाख से जॉब वर्कर को डेबिट कर देगी क्यों डेबिट कर देगी क्योंकि जॉब वर्कर का शर्ट खराब कर देता है जो ब्लैकबेरी ने स्टाइल्स दी थे उस हिसाब से, से नहीं सीता स्टिच करता या कपड़े पर हल्दी गिर जाती है खाना बैठ के खाता है तो ब्लैकबेरी की कि हम नहीं लेंगे वापस 50 लाख हमें दीजिए जो आपने हमारा कपड़ा खराब किया तो so, ब्लैकबेरी ने कपड़ा दिया है एक्स को जॉब वर्कर को 50 लाख का और उससे कहा कि शर्ट स्टिच कर दे एक्स चार्जेस इन इज इनवॉइस वॉइस टू हंड्रेड पर शर्ट फॉर सेटिंग स्टिचिंग टेन थाउजेंड शर्ट एंड रेज द बिल ऑफ ट्वेंटी लैक ऑन वन नाइन ट्वेंटी वन ये तो सिंपल केस है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है मेटल सप्लाई टू द कस्टमर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टीटीएस कटेगा वन परसेंट ऑन ट्वेंटी लैक इन अब इलास्ट्रेशन प्रैक्टिकली ऐसा होता है जैसे इलास्ट्रेशन टू में कर रहे हैं हम ब्लैकबेरी लिमिटेड सेल्स क्लॉथ ऑफ फिफ्टी लेट टू एक्स प्रैक्टिकली जब कपड़ा देती है पचास लाख डेबिट कर देती है।, है हमने एक तरह से आपको सेल कर दिया मिस्टर एस X to stitch the shirts as per the specifications. Mr. X raises a bill on blackberries under cloth, 50 lakh, stitching charges 20 lakhs 70 lakh. This is a job work because material is supplied by the customer. Since, I mentioned mention invoice T is charges will be deducted only on rupees 20 lakh. अगर इस केस में एक्स कंसोलिडेटेड बिल रेस कर देता 70 लाख का तो टीडीएस करता फिर 70 सेवेंटी थ्री एक्स परचेस क्लॉथ फ्रॉम रेमंड्स अब ब्लैकबेरी एक्स को बोलते काम कर कपड़ा खरीदे रेमंड से रेमंड से हम बताते हैं कौन सा कपड़ा खरीदना है उसे खरीद ले पचास लाख का कपड़ा खरीद ले uh, बीस लाख स्टिचिंग चार्जेस देंगे हम और सत्तर लाख इन्वॉइस कर दे तो अब सिंस एक्स जॉब का कपड़ा खरीद रहा है फ्रॉम अदर देन कस्टमर दिस इज नो लॉन्गर जॉब दिस इज अ केस ऑफ सेल बाय एक्स टू ब्लैकबेरी मिस्टर एक्स पर्चे क्लॉथ फ्रॉम रिमेन्स पेज ट्वेंटी थ्री फॉर फिफ्टी he stitches shirts as per the specification of blackberry and supplies to blackberry as per invoice given below metal purchased 50 stitching also 20 still this is not a job work seal of goods this will be treated as seal of shirts and TDS is not required to be deducted since metal has been purchased from other than a customer that is blackberry however अगर रेमंड एक क्लोज रिलेटेड पार्टी होता ब्लैकबेरी का दैट इज इफ रेमंड इज अ स्पेसिफाइड पर्सन मेंशन इन फोर्टी ए टू देन इट विल बी एज वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज पर द अमेंडमेंट मेड बाय द फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी और टी डी एस कट जाता आपका एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया एक कि एक सीमेंट कंपनी है एक्स वाई जेड को बोलती है कि वन लैक जूट बैग्स खरीदे मार्केट से वन लैक जूट बैग्स खरीदे मार्केट पे मार्केट से और फिर उस पर इस सीमेंट कंपनी का नाम वगैरह प्रिंट करें उन बैग्स को वाटर प्रूफ बना दे बाहर और फिर सप्लाई कर दे सीमेंट कंपनी ये एक्स वाई जेड बैग्स खरीदती है जूट बैग्स लेट से फिफ्टी रुपीज ईच का पचास लाख का और नाम प्रिंट करने के वाटरप्रूफिंग प्रूफिंग करने के चार्ज करिए दस लाख एग्जामिनर ने पूछा क्या टीडीएस कटेगा आंसर इज नो बिकॉज यहां ये काम कर रहा है एस पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय सीमेंट कंपनी बट मेटीरियल इज नॉट सप्लाइड नॉट परचेस सीमेंट कंपनी दिस इज सेल, सो ये सेल मानी जाएगी एक्स बाय जेड द्वारा टू सीमेंट कंपनी एंड देर नो टी डी एस अंडर एनी प्रोविशन ऑफ द एक्ट एग्जामिनर ने पूछा कि विल यू आंसर बी डिफरेंट इफ दिस सीमेंट कंपनी हेड सप्लाइड द जूड बैक्स टू दिस एंड आस्ट टू ने आस्क एक्सप्रेस टू प्रिंट द नेम एंड मेक इट वॉटर प्रूफ देन यस फिर तो कस्टमर ही मेटल सप्लाई कर रहा है देन दिस बिकम्स अ जॉब वर्क ओके Uh, पूरे चैप्टर ऑफ टीडीएस में अच्छा बात बताइए मैं 194 आई में रेंट देता हूं टू लैख फोर्टी थाउजेंड से ऊपर तो मुझे 10 परसेंट टी काटना होता है सो so, अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं टू लैख फोर्टी थाउजेंड का तो मान लीजिए मैं मेरी थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन में मैं विनोद गुप्ता हूँ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन में मेरी रिसीट थी पांच करोड़ तो मैं इंडिविजुअल हूँ लेकिन मेरे टी डी एस काटने की ऑब्लिगेशन है मैं रेंट पे कर रहा मान लीजिए पांच लाख मुझे दस परसेंट डीडीएस काटना होगा बट ये मैं रेंट पे करूं अपने रेजिडेंस के लिए तो क्या मुझे टीडीएस काटना होगा यस लॉ कहीं ये नहीं कहता जैसे सैलरी पड़ा आपने सैलरी पे करते हैं तो लॉ ये नहीं कहता कि आप बिजनेस करने होना चाहिए मेरी अदर सोर्सेज इनकम भी आ रही है मैं सैलरी पे कर रहा हूं मुझे टी काटना पड़ेगा सो लॉ चैप्टर ऑफ टी डी एस कहीं ये नहीं करता कहता कि आप जो पेमेंट करें वो बिजनेस पेमेंट होनी चाहिए तो अगर मुझे मैं इंडिविजुअल हूँ मेरी प्रिसीडिंग है मैं टर्न ओवर पाँच करोड़ थी एक करोड़ से ऊपर थी मुझे टी डी एस का ऑब्लिगेशन है तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा इवन इफ आई एम पेइंग द वेरियस पेमेंट्स इन द चैप्टर ऑफ टीडीएस फॉर माई पर्सनल पर्पजेस तो अगर मैं अपने अपने बच्चों के रहने के लिए घर ले रहा हूं घर ले रहा हूं रेंट पे करता हूं जो मेरा पर्सनल खर्चा है मुझे उस पर भी टी काटना होगा तो टीडीएस के चैप्टर में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि पेमेंट्स बिजनेस के कोर्स में होनी चाहिए आप ब्रेन पे कर रहे हैं टीडीएस काटना है इसकी दो एक्सेप्शन इसकी दो एक्सेप्शन है एक तो है 194 सी जो भी करने वाले आप और एक है 194 नाइनटी फोर जे वन सी कहता है एक इंडिविजुअल अगर घर बनवा रहा है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है टीडीएस काटेगा का वन नाइनटी फोर सी में प्रोवाइडेड मुझे टी डी एस काटने की रिक्वायरमेंट है पिछले साल टर्न ओवर वन करोड़ तो मुझे टी डी एस काटने से एग्जेपन दे रहे हैं अगर मैं घर बनवा रहा हूं अपने पर्सनल पर्पस के लिए सो so, दो जगह एक्सेप्शन है पूरे टीडीएस के चैप्टर में कि अगर आप पर्सनल यूज के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। एक एक्सेप्शन है वन नाइन्टी फोर सी में अगर कॉन्ट्रैक्टर से आप काम करवाने अपना पर्सनल जैसे कि घर बनवा रहा हूं अपने रहने के लिए तो मुझे टी नहीं काटना ऐसे वन नाइन्टी फोर जे में पड़ेंगे कि आप लॉयर को फीस पे कर रहे हैं कोई घर के झगड़ों के लिए तो टी डी एस नहीं काटेंगे देखिएगा पेज ट्वेंटी सबसेक्शन फोर देखिए नो इंडिविजुअल एच यू एफ शैल बी लाइबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द पेज ट्वेंटी पॉइंट फोर नो इंडिविजुअल एच यू एफ शैल बी लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द सम क्रेडिटेड पेड टू द अकाउंट ऑफ द वेस अ सम इज क्रेडिटेड और पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पज ऑफ सच इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ द एच तो इंडिविजुअल एच अगर पेमेंट कर रहे कॉन्ट्रेक्टर को उन्हें टीडीएस नहीं काटना प्रोवाइडेड जो पेमेंट हो रही है इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पज ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रेक्टर एच यू एफ हाउ एवर द लाइबिलिटी डिडक्ट टी डी एस इवन इन सच अशलराइज वे कंडीशन स्टेटेड इन सेक्शन वन नाइनटी फोर एम आर फुलफिल्ड जो हम दो क्लास बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करता है एमसीक्यूस में एग्जामिनर आपको एमसीक्यूस में, आपको में क्या नाम कन्फ्यूज करता है कि मिस्टर एक्स है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन को उनकी टर्नओवर थी फोर्टी लाख अब वो एक कॉन्ट्रैक्टर से फैक्ट्री बिल्डिंग बनवा रहे हैं बनवा रहे हैं मिस्टर एक्स और ये फैक्ट्री बिल्डिंग बिजनेस में यूज होगी नॉट फॉर पर्सनल पर्पस और कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहा बीस लाख रुपया तो एमसीक्यू क्यूज बड़ी मिक्सिंग करते हैं उसमें एक पार्ट ये होता है कि क्या टीडीएस काटेगा का एक्स टीडीएस काट नहीं नहीं क्योंकि इंडिविजुअल एचओ टीडीएस का तब काटना होता है जब पिछले साल की टर्न ओवर्स हंड्रेड लैक्स ऊपर थी बिजनेस में फिफ्टी लैक्स ऊपर थी प्रोफेशन में तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो ये फोर्थ एक्सेप्शन कब लगेगा जब इंडिविजुअल एच एफ की टर्न ओवर थी थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन में लेटर टू हंड्रेड लेख और अब मैं कॉन्ट्रैक्टर से बिल्डिंग बनवा रहा हूं अपने घर खुद के रहने के लिए उसे 20 लाख की पेमेंट कर रहा हूं तो इस केस में अगर पॉइंट फोर नहीं होता तो मुझे टी डी एस काटना पड़ता पॉइंट फोर है इसलिए मुझे टी डी एस नहीं काटना पड़ेगा क्लियर है ओके पीएच ट्वेंटी वन पीएच ट्वेंटी वन आप किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हैं आप किसी ट्रक वाले को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या ट्रक वाले का आपको टी काटना होगा होता क्या है कि जो ट्रक वाले होते हैं छोटे मतलब छोटी कंपनीज होती हैं ट्रक वाले वो कहते हैं जी हम तो माल लेके आए हैं और हमसे कहा गया जी एक लाख रुपए लेके आइएगा आप हमारा दो परसेंट टीडीएस काटते हम नहीं मानते हम माल नहीं छोड़ेंगे हमें तो पूरा एक लाख का ड्राफ्ट दीजिए आप एक लाख का बैंक दे दीजिए तो ही हम माल उतारेंगे आपका तो ये होता है प्रैक्टिकली जो ट्रक वाला होता है ड्राइवर वो कहता है जी मैं माल नहीं छोड़ूंगा आपके पास मैं माल लेके आया आपके पास ट्रांसपोर्टेशन से और ये माल तब दूंगा जब मुझे एक लाख का ड्राफ्ट देंगे आप आप कहते हैं मैं दो परसेंट टी डी एस काटूंगा वो कहते जी मैं नहीं मानता क्योंकि मेरी जो कंपनी है ट्रांसपोर्ट कंपनी वो तो मेरी सैलरी काट लेगी तो इन्होंने लॉ बनाया कि ट्रांसपोर्टर को आप पेमेंट कर सकते हैं विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस अगर ट्रांसपोर्टर ज्यादा बड़ा नहीं है ज्यादा बड़ा नहीं मतलब ही डज नॉट ओन मोर देन टेन ट्रक्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो ट्रांसपोर्टर जो है अगर 10 से ज्यादा ट्रक नहीं ओन कर रहा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और अपना पेन आपको दे देता है अपना पेन आपको दे, दे देता है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है पेन के साथ एक डिक्लेरेशन भी देगा पेन के साथ डिक्लेरेशन देगा कि मैं माल इस ट्रक में लेके आया हूं ट्रक नंबर सुवेंसो है ट्रक जो है हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी को बिलोंग करता है एंड वी डो नॉट ओन तो देखिए जैसे टाटा स्टील है ए बी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी है इसके ड्राइवर माल लेके आ रहे हैं स्टील वगैरह लेके आ रहे हैं आप टाटा स्टील को पेमेंट करनी है इसको तो ये कह रहे हैं टाटा स्टील पेमेंट कर सकती है एबीसी को विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस अगर ट्रक ड्राइवर एबीसी का पेन नंबर देता है इसको पेन की कॉपी दे देता है और एक डिक्लेरेशन देता है एबीसी से टाटा स्टील को कि हमारा ये जो ट्रक है इसको हम ओन करते हैं हम ओन करते हैं और हमारे पास पूरे साल में एट एनी टाइम मोर देन टेन ट्रक्स की ओनरशिप नहीं थी अगर यह डिक्लेशन देते हैं आप तो टाटा स्टील आपका टीडीएस नहीं काटेगा हा टाटा स्टील जब अपनी क्वार्टरली रिटर्न बनाएगा टीडीएस की तो टाटा स्टील जब टीडीएस की क्वार्टरली रिटर्न बनाएगा वहां एबीसी का नाम आएगा कितनी पेमेंट की वो आएगी उसमें अलग से कॉलम होता है सो so, टी डी एस रिटर्न में एक अलग से कॉलम होता है कि जो आपने ये वाली पेमेंट्स किए विदाउट टी डी एस उनको रिपोर्ट करिए सो टाटा स्टील अपनी टी डी एस रिटर्न में लिखेगी अलग से कॉलम होता है वहाँ पर कि हमने ए बी सी ट्रांसपोर्ट को सेवन लैख पे किया उनका पेन नंबर ये है उनकी डिक्लेशन आ गई हमारे पास अब डिपार्टमेंट क्या करेगा चेक करेगा कि ए बी सी क्या वाकई में दस से ज्यादा तक ओन कर रही थी या नहीं पैन नंबर सही है या नहीं वो सब देखें और अब तो हम देखेंगे वेरी सुन ये टाटा स्टील की ड्यूटी है कि पैन नंबर सही है या नहीं चेक करें अगर पैन नंबर सही नहीं है तो टाटा स्टील 20 परसेंट ईडीस काटेंगे पढ़ेंगे हम सेक्शन टू जीरो सिक्स डबल ए में दो क्लासेस पर देखिएगा पेज ट्वेंटी वन सेक्शन सिक्स नो डिडक्शन शेल बी मेड फ्रॉम एनी सम क्रेडिटेड पेड और लाइक टू बी क्रेडिट और पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस द अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर कौन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरेजेस वेयर सच कॉन्ट्रैक्टर ओन्स टेन और लेस Goods, carriages at any time during the previous year and furnishes a declaration to this effect to the, along with the spend number, to the person paying or crediting such sum, that is Tata Steel and Tata Steel. Paying crediting such sum to ABC Transport Company shall furnish to the prescribed income tax authority in such form and within such time as may be prescribed, the declaration, etc. तो अब तो जो टीडीएस की क्वार्टरली रिटर्न है उसमें सब ये भर के देगी टाटा स्टील अभी हमारे पास एक केस आया एक स्कूल है स्कूल वालों को एक ट्रांसपोर्टर छह बसेस सप्लाई कर रहा है सिक्स बसेस बसेस ऐसे सप्लाई कर रहा है ताकि बच्चों को सवेरे घर से स्कूल ले आए और दोपहर को स्कूल से घर छोड़ा आप स्कूल इस बस वाले को पेमेंट कर रहा है कि आप बस वाला सबसेक्शन से इसका बेनिफिट ले सकता है नहीं ले सकता इट्स ओनली फॉर गुड्स कैरेज बच्चे गुड्स थोड़ी होते हैं इट्स ओनली फॉर गुड्स कैरेजेस इन जो ट्रक वगैरह है उसके लिए एक्सेप्शन है अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है तो एक्सेप्शन नहीं लगी चलिए बैलेंस ब्रेक की बात कर लेते हैं बैलेंस ब्रेक की बात करते हैं प्लीज स्टार्ट द क्लास सो हम पेज ट्वेंटी वन पर थे ब्रेक से पहले कि नो डिडक्शन शैल बी मेड चाहे कितना भी अमाउंट हो चाहे कितना भी अमाउंट हो नो डिडक्शन शेल बी मेड फ्रॉम एनी सम क्रेडिटेड पेड लाइकली टू बी क्रेडिटेड पेड

अब मान लीजिए टाटा स्टील है इसके पास एबीसी ट्रांसपोर्टर आया एक लाख का बिल लेके आया है एबीसी ट्रांसपोर्टर का जो ड्राइवर है एबीसी ट्रांसपोर्टर कंपनी से डिक्लेरेशन देगा कि मैं ट्रक नंबर लेके आया हूं जो रजिस्टर्ड है इन नेम ऑफ ए बी सी ट्रांसपोर्ट यानी जिस ट्रक में माल लेके आया है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास ये जो डिक्लेरेशन है उसमें सब लिखा होता है और यहां ये भी डिक्लेरेशन करेगी ए बी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी कि हमारे पास मोर देन टेन ट्रक्स नहीं है ओनरशिप एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक बोर्ड का सर्कुलर देखिए पेज ट्वेंटी सिक्स पर फाइनेंस बिल का पार्ट था तो पहले पैरा में बता रहे हैं कि अगर ट्रांसपोर्टर जिसके पास टेन और मोर ट्रक्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो डिक्लेरेशन दे सकता है अलोंग विद पेन, उस केस में पेयर टीडीएस नहीं काटेगा बोल्ड इंपॉर्टेंट मार्क करिए सेकेंड पैरा इट हैज बीन नोटेड एट यूजिंग द सॉरी 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 पेज ट्वेंटी फाइव पेज ट्वेंटी फाइव पेज ट्वेंटी फाइव एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस एक्ट जैसी अमेंडमेंट आई थी पहला पैरा में वही बात कर रही है सेकेंड पैरा फरदन फ्रॉम टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस रिसीव प्लाइंग हायरिंग लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस ओनड बाई द ट्रांसपोर्ट यानी मैंने बताया वो जो ट्रक लेके आया है दैट शुड बी ओन बाय द ट्रांसपोर्टर और डिक्लेरेशन वो देता है कि यह ट्रक जो आया है that is owned by me. Therefore, if a person receives payment in respect of plying, hiring, leasing of goods, carriages, which are not owned by him, which are not owned by him, तो उसे exemption नहीं मिलेगी TDS uh, से, any TDS कटेगा उस केस में। यानी अगर जो truck वाला truck लेके आया है, वो transport company own नहीं कर रही है, in that case TDS will be deducted. The condition of not owning more than 10 goods carriages by the transporter is required to be fulfilled on the date on which the amount is credited or paid, whichever is earlier. In case the transporter does not own 10 goods carriages <coughs> on the date on which the amount is credited or paid, but becomes the owner of 10 goods carriages later on in the previous year, the payer shall not be required to deduct TDS. From the payment made to the transporter during the period of the previous year when he was not owning more than 10 goods carriages. However, tax shall be required to be deducted from the payments made during that part of the previous year during which the transporter owned more than 10 goods carriages. For example, in further, for determining the aggregate amount of sums credited or paid for the purpose of computing the limit of 1 lakh. <coughs>

फर्स्ट नवंबर ट्वेंटी वन को ही परचेज सिक्स मोर गुड्स कैरेजेस और फर्स्ट नवंबर से दस से ज्यादा ट्रक्स हो गए टी डी एस कटेगा ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ही सोल्ड एट गुड्स कैरेजेस कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ही वॉज ओनिंग मोर देन टेन गुड्स कैरेजेस मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू टी ड्यूरिंग दर ट्वेंटी टू फिफ्टीन एप्रिल ट्वेंटी नवंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी थाउजेंड यहां पर उसके पास दस से ज्यादा ट्रक थे टीडीएस कटेगा बट टीडीएस नहीं कटेगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्सीडिंग थर्टी थाउजेंड प्लस अभी तक कितने पेमेंट है थर्टी फाइव सेवेंटी फाइव नाइन्टी फाइव वन लैख की लिमिट भी क्रॉस नहीं हुई टीडीएस नहीं कटेगा फिफ्टीन दिसंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट थर्टी थाउजेंड से नीचे है लेकिन टोटल पेमेंट मेड एक पंद्रह हो गई अब एक पंद्रह फिर टी डी एस कटेगा Or is Pachas RPDDS Katega? So, no tax is deductible on the payments made on 15th April 21 and from the payment made on 15 July 21 if T furnishes declaration that he does not own more than 10 goods carriages during the financial year along with the pen as per the requirements. Tax is not deductible on 15 November 21 since the payment does not exceed 30,000 and total payment. Is not exceeding one lakh. Tax shall be deductible on one lakh 15,000 from the payment of 20,000 made on 15 December 21, since he owns more than 10 trucks on that day. Tax is also deductible from the payment made on 15 February 22, even though T did not own more than 10 goods carriages on 15 February 22. 22 this is because T owned more than 10 goods carriages. एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आई होप ये क्लियर है वापिस आइए पेज ट्वेंटी वन सो वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर टी डीएस कटता है वन नाइनटी फोर सी में तो मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि अगर बसेज हैं तो so एग्जेंशन नहीं है इट्स ओनली फॉर गुड्स कैरेजेस वर्क वर्क का मतलब क्या होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड टू इंक्लूड अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग आज मैं न्यूज पेपर पर एडवर्टाइजमेंट करता हूं आज मैं टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो मैं टू परसेंट का या वन परसेंट नॉर्मली टीवी कंपनी ओन बाय कंपनीज टीडीएस काटूंगा वन नाइनटी फोर सी में ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग जैसे एकता कपूर अपने सीरियल्स बनाकर सोनी को दे देती है कि आप ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करिए उसके लिए जो पेमेंट देगी उसमें टीडीएस काटेगी अंडर वन नाइनटी फोर सी कैरेज ऑफ गुड्स पैसेंजर्स गुड्स पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट रेलवेज रेलवे नहीं है बिकॉज रेलवे आर ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर पेमेंट करते हैं तो कोई टी डी एस नहीं कटता है यह हम पढ़ेंगे वन नाइन्टी सिक्स में क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट अ टैक्सीबल एंट्री केटरिंग सो आप केटरिंग के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उस पर टी डी एस कटेगा अंडर वन एटी फोर सी क्लॉज ई e हम कर चुके हैं जॉब वर्क नेक्स्ट पेज हम कर चुके हैं पेज ट्वेंटी थ्री पेज ट्वेंटी थ्री जैसे सी गैस होती है इंडियन ऑयल सप्लाई करता है टू पेट्रोल पंप तो गैस कंटेनर्स होते हैं जिसमें ये गैस इंडियन ऑयल के डिपो से पेट्रोल पंप पे ट्रांसफर होती है और प्रैक्टिकली ओनरशिप पेट्रोल पंप को ट्रांसफर होती है डिलीवरी पर सो पेट्रोल पंप मेन्सिस करता है कि हम ओनरशिप तब मानेंगे जब हमें डिलीवर हो जाएगा जब इंडियन ऑयल ने गैस लोड कर दी उसमें कैरिज ट्रांसपोर्टर्स में तो हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं मानेंगे क्योंकि बीच में आग लग गई गैस लीक कर गई पेट्रोल पंप वाला कहता है कि मैं क्यों लॉस बिया करूं मैं तो ओनरशिप तब मानूंगा ट्रांसफर ये मुझे जब मुझे डिलीवरी होगी तो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप्स को सीएनजी गैस वगैरह भेजता है और बिल बनाता है गैस ट्वेंटी लैख ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू लैख गुड्स के सेल पर टीडीएस नहीं लगता है बिकॉज देट्स अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कोई डाउट नहीं है कि गैस की सेल पर टीडीएस नहीं कटेगा बट ये जो दो लाख ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है क्या इस पर टीडीएस काटेगा का पेट्रोल पंप बोर्ड ने एक्सप्लेन किया बोर्ड कहता है कि ओनरशिप तो यहां पर ट्रांसफर होती है एंड ये परचेज प्राइस यह माना जाएगा दो लाख चाहे बिल में आपने सेपरेटली इंडिकेट कर दिए हैं, इस पर टीडीएस नहीं कटे हां जो इंडियन ऑयल ट्रांसपोर्टर को दो लाख पे करेगी उस पर इंडियन ऑयल टीडीएस काटेगी और अगर बाईचांस पेट्रोल पंप ये दो लाख ट्रांसपोर्टर को पे कर रहा है तो भी पेट्रोल पंप टीडीएस काटेगा पेज ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव देखिएगा डिडक्शन ऑफ टैक्स सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय द परचेजर ऑफ नेचुरल गैस नेचुरल गैसेस सीएनजी वगैरह टू दैलर ऑफ द गैस सो दो लाख पे कर रहा है पेट्रोल पंप टू द इंडियन ऑयल द सेलर ऑफ द गैस इट इज क्लैरिफाइड दिन केस द ओनर ऑफ सेलर ऑफ गैस सेल्स एज वेल एज ट्रांसपोर्ट द गैस टू द परचेजर टिल द पॉइंट ऑफ डिलिवरी वे आर द ओनरशिप ऑफ द गैस टू द परचेजर इज साइमटेनियसली ट्रांसफर्ड यानी ओनरशिप पर ट्रांसफर हो रही है जब डिलीवरी हो रही है द मैनर ऑफ रेजिंग सेल बिल अब आप सेल बिल 22 लाख का रेज करें या 20 लाख प्लस दो लाख का सेल रेज करें दोनों केस में टीडीएस नहीं कटेगा द मैनर ऑफ रेजिंग सेल बिल वेदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर एम्बेडेड इन द कॉस्ट ऑफ द गैस और शोन सेपरेटली आपने चाहे 22 लाख का कंपोजिट बिल काटा या 20 लाख प्लस 2 लाख अलग अलग दिखाया हुआ है डज नॉट ऑल्टर द बेसिक नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट विच रिमेन्स एसेंशियली कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड इज नॉट अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज एन विशेष इन सेक्शन वन सी एंड इन सच सर्कमस्टेंसेज द प्रोविजन ऑफ चैप्टर सेवनटीन बी इज टी डी एस ऑफ द एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल on the component of gas transportation charges paid by the purchaser to the owner seller of gas the use of different modes of transportation of gas by owner seller will not alter the position chahe aap containers mein gas bech rahe hain ya underground bech rahe hain usse farak nahi padta ha board कहता है जो Indian Oil transporter को payment करेगा या फिर purchaser बाई चांस transporter को direct payment कर रहा है उस केस में TDS डी एस इट इज नीडलेस टू मैंशन द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर ऑफ गैस आई दर द ओनर सेल ऑफ गुड्स ऑर द परचे ऑफ द गुड्स और एनी द पर्सन कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द एप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ दिसबल ऑन सच बीमेंट मेड टू द ट्रांसपोर्टर अंडर वन नाइन फोर सी अगर आप प्लांट मशीन हायर करते हैं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में तो टीडीएस करता है 194 नाइनटी आई में 2 परसेंट जबकि 194 नाइनटी सी में है 2 परसेंट वन परसेंट अगर इंडिविजुअल एच को है अदर देन इंडिविजुअल एच एफ टू परसेंट है सो प्लांट एंड मशीनरी के हायर पर टीडीएस करता है 194 नाइनटी आई असेसी जो है एक बिल्डर है पॉइंट नंबर सिक्स बिल्डर है इसने एक इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर को हायर किया कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल यहां से यहां ट्रांसपोर्ट करना है यहां से यहां ट्रांसपोर्ट करना है अब ये ट्रांसपोर्टर जो है हायर करता है डंपर्स हायर करता है इस बिल्डिंग मेटल को यहां से यहां ट्रांसफर करने के लिए अब असेसी इस इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर को पे करता है के हायर चार्जेस अब क्वेश्चन उठता है कि क्या अस्सी टीडीएस काटेगा 194 आई में 2 परसेंट या 194 सी में 1 परसेंट कोर्ट ने कहा यहां पर अस्सी हायरिंग नहीं करा प्लान मिशनरी की का तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है ट्रांसपोर्टेशन का है ये जो है डंपर हायर कर रहा है और ये इसको पैसा दे रहा है डंपर हायर करने के लिए उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इज नॉट हायरिंग द प्लान मशीनरी एस तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का एंड देकेबल पेज ट्वेंटी फोर कैन द पेमेंट मे टू कॉन्ट्रैक्टर्स हायरिंग डंपर्स बाय द engaged in transportation of building material be treated as rent for machinery equipment to attract provisions of 194 c i.e., the High Court held that Assessor has given contract to the parties for transportation of goods and has not taken machinery equipment on rent. The Court observed that transactions being carried out in the nature of contracts for shifting the goods from one person to one place to another place will be covered with the works contract.

Can services rendered by the hotel to its customer in providing hotel room with various facilities, amenities like housekeeping, bank counter, beauty salon, car rental, health club amount to carrying out of any work to attract the provisions of 194C? Board nahi. Board ne ka the facilities, sorry, court judgment. Court ne ka.

कंपनी एंगेज इन रिफाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइबल टू डिडक्ट टी डी एस फोर सी और वन फोर आई इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड टू कैरियर एंगेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्क पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये इंडियन ऑयल का केस है इंडियन ऑयल अपने वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल वगैरह पेट्रोल वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स वगैरह हायर करती है ट्रक्स इनके प्रेमिस में आके खड़े हो जाते हैं ठीक है अब इंडियन ऑयल जितना किलोमीटर आपने ट्रेवल किया उसके हिसाब से चार्जेस देती है बट ये ट्रक्स यहां 24 फोर आवर्स खड़े रहते हैं अब देखिए क्या इशू उठा होगा डिपार्टमेंट कहता है ये तो अपने ट्रक्स किराए पे लिए हैं एंड देफ ओ वन आई हायर ऑफ प्लांट मशीनरी इज एप्लीकेबल जबकि इंडियन ऑयल कहती है कि हम तो इनको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे रहे हैं कितने समय इनके ट्रक खड़े उसे हमें मतलब नहीं है हम तो जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करते, है, करते हैं हम पर किलोमीटर पेमेंट करते हैं इंडियन ऑयल कहती है कि हम इनको बोलते हैं कि आप शॉर्टेस्ट रूट लीजिए ऐसा नहीं आप घुमा घुमा के ले जा, तो yes, तो जा रहे हैं शॉर्टेस्ट रूट के हिसाब से पेमेंट देते हैं हम तो कोर्ट ने कहा यस ये तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्जेस पे किए जा रहे हैं एंड दिस इज नॉट फॉर हायर ऑफ ट्रक्स एंड देन नाइनटी फोर आई इज नॉट एप्लीकेबल दी कंपनी वॉज एंगेज इन रिफाइनिंग क्रूड ऑयल स्टोरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग सेलिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स A S.E. company required trucks for transportation for road transportation of bulk petroleum products from its various storage points to customers and other storage units. It entered into an agreement with another company for the said purpose. Upon scrutinizing the contract, the A.O. came to the conclusion that the S.E. was liable to days under 194I as a carrier is being hired. एंड बिंग पेड फुल टाइम अनलाइक द केस ऑफ दर्क कॉन्ट्रेक्ट ये वो कहता है तो ट्रक पे लिए है जो आप पेमेंट कर रहे हैं किराया दे रहे हैं हायरिंग का किराया टेकिंग ट्रक्स ऑन हायर ये वो कहता है आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं पे कर रहे सेक्शन वन नाइनटी फोर आई प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्सोन पेमेंट ऑफ रेंट एस वन नाइनटी फोर आई रेंट मीन पेमेंट बाई Whatever name called for use of plant, 194C deals with deduction of tax at source in respect of payments made to the contractor for carrying out any work. 194C defines work to include carriage of goods passengers by any mode of transport other than railways. The issue under consideration is whether the assessing company is liable to deduct EDS under 194C or 194I. Court ne kaha. अपॉन परसुइंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द हाई कोर्ट ऑब्जर्व पार्टीज़ अंडरस्टूड द एग्रीमेंट एज वन वे द कैरियर वुड बी प्य पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस एंड डेटो फॉर द शॉर्टेस्ट रूट ट्रेवल्ड बाय इट इन द कोर्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स ऑफ दी द कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट रिक्वायर पेमेंट ऑफ आइडल चार्जेस यानी जब ट्रक खाली खड़ा हुआ है तो उसके चार्जेस नहीं देते हम इंडियन ऑयल ही देती And it was clear that there was no entitlement to any payment other than actual transportation of goods. Hence, the carrier was not hired full time. The carrier under the contract was undoubtedly obliged to maintain the requisite number of trucks of a particular type, subject to various restrictions and conditions. However, the carrier was under the obligation to operate the trucks.

तो टीडीएस इन सेक्शन में करता है अगर पेमेंट नॉन रेजिडेंट है तो टीडीएस करता है में में जो हम इंटरनेशनल टैक्सेशन करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट्स को कमीशन पे करती है जो नया बिजनेस लेके आए उसपे भी पे करती है और बाद में जो प्रीमियम्स क्लाइंट पे करता है उस पर भी थोड़ी बहुत कमीशन पे करती है तो उस कमीशन पर Insurance company TTS Kategi under 194D. Any person, insurance company, responsible for paying to a resident any income by way of remuneration or reward, whether by way of commission or otherwise, for soliciting or procuring the insurance business, including the business relating to continuance, renewal, रिवाइवल ऑफ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस तो आप नई पॉलिसी लेके आते हैं क्लाइंट की, तो इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को कमीशन देती है पुरानी पॉलिसी का प्रीमियम आता है, है उस पर भी कमिशन मिलता एजेंट को पॉलिसी लैप्स हो गई उसको रिन्यू करवाते हैं उस पर भी एजेंट को कमीशन मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी जब एजेंट को यह कमीशन पे करेगी एट द टाइम ऑफ क्रेडिट पेमेंट विचअ पेमेंट क्रेडिट विच वर्लियर डिडक्ट टी डी एस एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट बट टी डी एस नहीं काटना अगर कमीशन जो पूरे साल में दी जा रही है दैट डज नॉट एक्सीड फिफ्टीन थाउजेंड यानी फिफ्टीन थाउजेंड तक की कमीशन है पूरे साल में तो टीडीएस नहीं कटेगा हम पढ़ेंगे एक डिक्लेरेशन होती है फिफ्टीन वन uh, ए में फिफ्टीन जी फिफ्टीन एच में आप डिक्लेरेशन देते हैं कि मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट्स ऊपर है मेरा टीडीएस नहीं काटा जाए तो टीडीएस नहीं काटता तो अगर इंश्योरेंस एजेंट को दो लाख रुपए कमीशन मिल रही है और उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट्स ऊपर नहीं है तो इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को वन नाइनटी सेवन ए में डिक्लेरेशन दे सकता है फिफ्टीन जी फिफ्टीन ऐसे में टीडीएस ना काटा जाए उस केस में एस नहीं काटा जाएगा ओके वन नाइंटी 194 नाइन्टी डी ए में मैंने बहुत सहा कैसे सहा बताता हूं आपको मैंने अपनी डॉटर के नाम एक पॉलिसी ली मैंने अपनी डॉटर के नाम एक पॉलिसी ली फाइव लैख प्रीमियम पे किया पांच साल के लिए पच्चीस लाख का मैंने प्रीमियम पे किया सेवंथ ईयर में मुझे मेचोरिटी मिल गई थर्टी टू लैख ओके तो मुझे इनकम कितनी हुई सेवन लैख और मैंने सेवन लैख की इनकम अपनी डॉटर की रिटर्न में डिक्लेयर कर दी मैंने सेवन लैख की इनकम अपनी डॉटर की इनकम इनकम में डिक्लेयर कर दी ये सेवन लैख टेन डी में एग्जाम नहीं है तो जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है अगर वो टेन ten डी में एग्जाम है फिर तो कोई बात ही नहीं है ये एग्जाम नहीं है तो टेन टेन डी हम करेंगे करेंगे हम सो ये जो मुझे पैसा मिला इंश्योरेंस कंपनी से ये टेन टेन डी में एग्जाम नहीं है मेरी को भी मिला। उस समय लॉ कहता था 194 नाइनटी फोर डी ए की वन परसेंट टीडीएस कटेगा थर्टी टू लैख पर वन परसेंट टी डी एस कटेगा रुपीज थर्टी टू लैख और मेरी डॉटर के फॉर्म 26 सिक्स में 32 टू लैख का अमाउंट आया उसे 1 परसेंट टीडीएस कट गया जब रिटर्न फाइल हुई सात लाख इनकम दिखाई ए ने एडिशन कर दी 25 लाख की कि फॉर्म 26 सिक्स एस में 25 लाख इनकम बत्तीस लाख की इनकम आपकी अल्टीमेटली मैं डेली, डेली ट्रिब्यूनल तक गया और डेली ट्रिब्यूनल ने पच्चीस लाख के एडिशन डिलीट कर दी और ये प्रॉब्लम में ही नहीं हर कोई लोग फेस करते थे क्योंकि पहले 194 डीए में लिखा होता था कि जो इंश्योरेंस कंपनी से आपको ग्रॉस अमाउंट मिलेगा उसमें वन परसेंटीडीस कटेगा तो ये दिक्कतें सब लोगों ने फेस की मुझ जैसे और अल्टीमेटली फाइनेंस एक्ट 19 से लॉ चेंज कर दिया गया लॉ क्या किया गया वन परसेंट की जगह टीडीएस रेट पांच परसेंट कर दिया कि इंश्योरेंस कंपनी जो टीडीएस काटेगी थर्टी टू लैख पर ना काट के किस पे काटेगी सेवन लैख पर, पर। इंश्योरेंस कंपनी को मालूम है आपने कितना प्रीमियम पे किया है ट्वेंटी फाइव लैख दे कितना रही आपको थर्टी टू लैख तो इनकम तो सेवन लैख ही है सो तो यह अमेंडमेंट आ गई फाइनेंस एक्ट नाइनटीन से जिससे काफी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई पेज 27, सेक्शन 194 डीए, फोर ऑन पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे है जो कि टैक्सेबल है पैसा टेन टेन डी में एग्जाम नहीं है एनी पर्सन इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट माई डॉटर एनी सम अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थर्टी टू लैख इंक्लूडिंग द सम एलोकेट बाई वोन अस पॉलिसी अदर देन अमाउंट नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम अंडर सेक्शन टेन टेन डी यानी जो टेन टेन डी में एग्जेम्ट है उस पर टीडीस कटेगा ही नहीं क्योंकि दैट्स एग्जाम इनकम शेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट दे ऑफ तो यहां पेमेंट के टाइम पर होगा डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ पहले लिखा था वन परसेंट ऑफ द अमाउंट अब क्या लिखा फाइव परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम कम प्राइस और टीटीएस नहीं कटेगा अगर जो पेमेंट आपको मिल रही है दैट इज लेस देन रूपीज वन लैख So, provided that no deduction under this section shall be made where the amount of such payment or the aggregate of amount of such payments to so the pay during the financial year does not exceed is less than rupees one lakh. Or, my daughter whose income is below taxable limit, then she can give a declaration in form 15G. See the memorandum <coughs> explaining the finance bill. 2019, under Section 194D of the Act, a person is obliged to deduct tax at source if it pays any sum to a resident under the life insurance policy, which is not exempt under 1010D. The present requirement was de to deduct tax at the rate of one percent of such sum at the time of payment. Several concerns have been expressed at deducting the tax on the gross amount 32 lakh.

From insurance company, not exempt under section ten ten D thirty two lakh <coughs> less premium paid under the policy. 5 lakh into 5 years so 5 percent tedious on rupees <coughs> 7 lakh ओके okay. क्लियर है नेक्स्ट सेक्शन है वन नाइन्टी एच जो आप कमीशन पे करते हैं उस पर आपको 5 परसेंट टीडीएस काटना होता है अगर कमीशन एक्सीड रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड इसी तरह ब्रोकरेज पे होती है अगर ब्रोकर अपने सब ब्रोकर को ब्रो, ब्रोकरेज पे कर रहा है तो टीडीएस काटेगा फाइव परसेंट अंडर वन नाइनटी फोर एच बट स्टॉक ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर को टी नहीं काटना होता ऑन द ब्रोकरेज पेड बाय हिम टू ही सब ब्रोकर बिकॉज सेक्शन में लिखे देखेंगे आप कि ब्रोकरेज ऑन सिक्योरिटीज इज नॉट कवर्ड याद करिए हमने पीजीबीपी में एक क्वेश्चन किया था जहां ब्रोकरेज पे की गई थी टू लेख एंड थ्री लैख और इस पर टीडीएस नहीं काटा था ससी ने टू लाख पे की गई थी ब्रोकरेज ऑन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और थ्री लैख ब्रोकरेज पे की गई थी कॉमोडिटीज पर हमने यहां डिसलाउंस की थी यहां नहीं की थी डिसलाउंस और हमने कहा था टीडीएस के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्रोकरेज जो पे की जाती है सिक्योरिटीज पर शेयर मार्केट वाली उस पर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होती हां जो ब्रोकरेज पे, पे होती है अंडर द कॉमोडिटी मार्केट उस पर टीडीएस काटता है इस सेक्शन टीडीएस ऑन कमीशन ब्रोकरेज पेड़ ये सारे सेक्शंस पेज अ रेजिडेंट एनी पर्सन नॉट बिंग योर माथर नॉट बिंग इंडिविजुअल एच यू एफ आप कहेंगे ओपो वाले में क्यों नहीं लिखा था इंश्योरेंस कंपनी कभी इंडिविजुअल होती ही नहीं है इंश्योरेंस कंपनी कभी इंडिविजुअल होती ही नहीं है अच्छा एक मिनट चले पहले वन नाइटी फोर जी कर लेते हैं वन नाइन फोर जी रहेगी हमारे एक मिनट 194G है टीटीएस ऑन कमिश्नर एटसेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स तो कुछ गवर्नमेंट्स लॉटरी अरेंज करती हैं एजेंट्स अपॉइंट करती हैं एजेंट टिकट बेचते हैं तो 194H अभी करते हैं प्लीज अभी करते हैं जी हमारा है छूट गया वो कर देते हैं तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लॉटरी कंडक्ट करती हैं लाइक like मिजोरम मणिपुर वगैरह और ये अपने एजेंट्स अपॉइंट करती है एजेंट्स टिकट बेचते हैं उन टिकट्स पर एजेंट को कमीशन मिलती है तो उन एजेंट्स को जो कमीशन देंगे उस पर टीडीएस काटा जाएगा 194 जी में टीडीएस ऑन कमीशन एटसेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स सो नॉर्मली ये लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज करती है any person who is responsible to pay, responsible for paying to any person who is or has been stocking distributing purchasing selling lottery tickets any income by way of commission remuneration price, by whatever name called on such tickets in an amount exceeding 15000 shall at the time of credit of such income or payment deduct tds at the rate of 5% और नोट में लिखा है कि अगर एजेंट को क्रेडिट करने के लिए की जगह कमीशन पेबल सस्पेंस अकाउंट में क्रिएट कर देते हैं देन ऑल्सो टी डी एस विल बी डिडक्टेड कुछ स्टेट गवर्नमेंट यह भी करते हैं कि अगर लॉटरी पर आपको जो आपने टिकट बेचा उसे फर्स्ट प्राइज निकला तो आपको रिवॉर्ड मिलता है तो उस रिवॉर्ड पर भी को कमीशन मानेंगे हम प्राइज और उस पर भी टी काटा जाएगा हम एक केस लॉ करेंगे आगे जाकर मंजू एंड कंपनी जहां एक एजेंट के पास टिकट पड़े थे एजेंट के पास टिकट पड़े थे बिके नहीं थे और लॉटरी की डेट निकल गई एजेंट के पास टिकट पड़े थे बिके नहीं थे और उस टिकट पर एक करोड़ का फर्स्ट प्राइज निकल गया अब वो फर्स्ट एजेंट को मिलेगा तो उस पर टीडीएस इस सेक्शन में नहीं कटेगा उस पर टीडीएस कटेगा वन नाइनटी फोर बी में जो आज, आज हम करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे मंजू एंड कंपनी का केस लो है बड़ा फेमस केस लो है एग्जामिनर्स बहुत बार पूछ चुके हैं उसे में यहां ना करा के कहीं और कराऊंगा जहां लिंक दूंगा आप तो हम अभी बात कर रहे थे कमीशन ब्रोकरेज पर टीडीएस काटा जाता है बट ब्रोकरेज ऑन सिक्योरिटीज पर टीडीएस नहीं कटेगा एनी पर्सन नॉट बिंग इंडिविजुअल एच ओ एफ तो स्टॉक ब्रोकर कैन बी इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टॉक ब्रोकर है तो टीडीएस नहीं काटेगा का, काटेगा का अगर पिछले साल का टर्नओवर ओवर Exceeded one crore. Broker of commodities of commodities. Any person not being individual or HUA who is responsible for paying to a resident any income by way of commission, not being insurance commission over 94 DM referred, or brokerage shall at the time of credit payment, whichever is earlier, deduct income tax at the rate of 5%. और टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर जो कमीशन ब्रोकरेज़ है पूरे साल में दैट डज नॉट एक्सीड रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड नेक्स्ट वही लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल एच को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट होगी अगर प्रिसीडिंग साल में थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन में उसका बिजनेस का टर्न ओवर एक करोड़ से एक्सीड करा था या प्रोफेशन में टर्न ओवर रिसीड एक्सीडेड फिफ्टी लाख रुपीज प्रोवाइडेड ऑल्सो अब तो खैर बड़ी सिटीज में नहीं होते बट आज भी गांव में पी सी ओज होते हैं पब्लिक कॉल ऑफिस तो क्या होता है ये जो है एम टी एन एल बी एस एन एल जो गरीब लोग होते हैं उनको दे देती है कि आप पी सी ओ चलाइए जहां लोग आके कॉल करेंगे वन रुपी पर कॉल टू रुपीस पर कॉल आपको देते रहेंगे और एम टी एन एल बी एस एन एल ये जो पी सी ओ ऑपरेटर कर रहा है ऑपरेट कर रहा है गरीब बंदा उससे कमीशन लेती है फिफ्टीन थाउजेंड से ऊपर अमाउंट है तो मतलब कमीशन फिफ्टीन थाउजेंड से ऊपर है तो कमीशन पर टी काटती है सो बी एस एन एल एम टी एन एल कमीशन पे करती है और उस पर टी काटने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी अगर फिफ्टीन थाउजेंड से ऊपर है बट ये गरीब लोग हैं इसलिए इन्होंने लॉ में प्रोवाइड किया प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो डिडक्शन शेल बी मेड अंडर सेक्शन ऑन एनी कमीशन ब्रोकरेज पेबल बाय बीएसएनएलएल

और फॉर सर्विस कोर्स ऑफ बाइंग सेलिंग गुड्स इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट आर्टिकल थिंग नॉट बिंग सिक्योरिटी शेयर ब्रोकर जो अपने सब ब्रोकर्स को कमीशन पे करेगा ब्रोकरेज पे करेगा उस पर टी डी एस नहीं काटा जाएगा वेर एस कॉमोडिटी ब्रोकर काटना पड़ेगा तो वही है कि अगर आप कमीशन पे कर रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं जिसको पे करें उसका नाम नहीं डाल के कमीशन पेबल सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं तो ये माना जाएगा आपने पे को क्रेडिट कर दिया है टी डी एस काटा जाएगा की नोट्स कमीशन टू एंप्लॉयिज कमीशन टू एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी जिस पर टीडीएस कटेगा वन नाइनटी टू में ए सैलरी एंड नॉट अंडर द सेक्शन द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटीज आर नॉट कवर्ड बाय वन नाइन्टी फोर एच नॉट कवर्ड बाय एनी सेक्शन देक्शन वन नाइनटी फोर एच इज नॉट अट्रैक्टेड ऑन ब्रोकरेज कमीशन पे टू द अंडर राइटर्स तो जो आपका पब्लिक इशू अंडर राइट कर रहा है पब्लिक इशू शेयर्स का ही होता है कॉम्पिटेट डिस्का होता नहीं है तो ब्रोकरेज कमीशन अंडर को पे कर रहे हैं टीडीएस नहीं कटेगा ब्रोकरेज सब ब्रोकरेज ऑन पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज सो इशू कर रहे सिक्योरिटीज का और जो लोग इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं उनको कमीशन पे कर रहे हैं इट्स ऑन सिक्योरिटीज नो टीडीएस ब्रोकरेज ऑन स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज हाउ एवर टी डी एस शेल बी डिडक्टेड द ब्रोकरेज कमीशन पेड फॉर कॉमोडिटीज ट्रांजेक्शन ओके नेक्स्ट क्या है आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एड देना चाहता हूं तो टीओआई आई के एजेंट्स होते हैं मैंने दो लाख रुपए का एड देना है ठीक है तो वीजी एल डी आई जो टाइम्स ऑफ इंडिया के कलेक्शन एजेंट्स हैं उनसे कहती है हमारा एड सफाई टाइम्स ऑफ इंडिया में वो कहते हैं एड की कॉस्ट है टू लैख अब जब वी जी एल डी आई इस एजेंट को टू लैख पेमेंट करेगी इट इज फॉर एडवरटाइजिंग इट इज फॉर एडवरटाइजिंग तो वीजीएल वन नाइनटी फोर सी में टी डी एस काट लेगी वन परसेंट टू परसेंट एस द केस में भी कोई डाउट नहीं अब क्या होता है टाइम्स ऑफ इंडिया इनको बोलता है कि सेंस आप एड कलेक्ट करके ला रहे हैं हम आपको 15 परसेंट कमीशन देंगे और एजेंट को कहा जाता है कि दो लाख में से पंद्रह परसेंट अपने लीजे, पास रख लीजिए पास रख लीजिए और वन सेवेंटी में दे दीजिए ठीक है यानी कमीशन कितनी हुई थर्टी थाउजेंड और इस तरह के सौ एड्स लेके आए तो कमीशन कितनी हो गई थर्टी लाख रुपीस। इसी तरह आप सोनी टेलीविजन पर एड बुक एड देना चाहते हैं तो यहां भी एजेंट्स होते हैं एजेंट को मैं दो लाख रुपए दूंगा एड देने के लिए ईडीएस काट लूंगा वन नाइनटी फोर सी में सोनी टेलीविजन इन एजेंट को बोलती है कि आपकी कमीशन बनी पंद्रह परसेंट तीस हजार हमें आप वन सेवेंटी दे दीजिए थर्टी थाउजेंड अपनी कमीशन रख लीजिए और इस तरह के सौ ऐड आ गए तो कमीशन हो गई इन टू हंड्रेड तीन लाख तीस लाख अब एओ कहता है कि इस लाख जो कमीशन है उस पर सोनी को टीडीएस काटना चाहिए था एओ कहता है जो टीओआई ने टाइम्स ऑफ इंडिया ने तीस लाख कमीशन पे की एच को उस पर टीडीएस काटना चाहिए था पर ये लोग टीडीएस नहीं काटते ये तो कहते हैं एक तरह से हम अपना एड का स्पेस इनको दे रहे हैं ये तो प्रिंसिपल टू तो प्रिंसिपल सेल हो रही है टाइम्स ऑफ इंडिया सोनी टेलीविजन वर आर्ग्यूइंग हमारे कमीशन नहीं, एजेंट नहीं है बेसिकली हम प्रिंसिपल टू तो प्रिंसिपल एड का स्पेस सेल कर रहे हैं काफी लिटिगेशन हुई आप कहेंगे टीडीएस तो एओ ने कहा कि क्या करें जो तीस लाख की कमीशन है पे, उस पर सोनी टीडीएस काटे और टीडीएस का अमाउंट एजेंट से रिकवर कर ले अगर पूरा पैसा दे चुका एजेंट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन पेमेंट बाय टेलीविजन चैनल्स एंड पब्लिशिंग हाउसेस सोनी पब्लिशिंग हाउसेस टाइम्स ऑफ इंडिया टू एडवर्टिजमेंट कंपनीज फॉर प्रिक्योरिंग कैवेस्टिंग फॉर एडवर्टीजमेंट जो एजेंट्स है बोर्ड ने सकला निकाला द इश्यू ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ टी डी प्रोविशंस सो एस कह रहे थे कि क्या करिए आप ये जो तीस लाख बनता है इसमें पांच परसेंट कमीशन कितनी हुई तीस लाख डेढ़ लाख टी डी सॉरी तो ये टीडीएस सोनी जमा करे और अपने एजेंट से रिकवरी कर ले अगर एजेंट वन सेवेंटी एम कर चुका है बोर्ड ने राहत दी The issue of applicability of TTS provisions on payments made by television channels or media houses, publishing newspapers, magazines to advertising agencies for procuring or canvassing for advertisement has been examined by the board in view of representations received by the board. It is noted that there are two types of payments involved in the advertising business. Client, VGLD, payment, karta hai advertisement agencies. Ko. मैं टीडीएस काटूंगा टू परसन वन पर्सन अंडर वन नाइनटी फोर सी नो डाउट अबाउट इट एंड पेमेंट बाई एडवरटाइजिंग एजेंसी टू द टेलीविजन चैनल न्यूज पेपर कंपनी थाउजेंड इट हैज बीन क्लेरिफाइड एंड वाइल टी डी एस अंडा वन नाइनटी फोर सी एस वर्क कॉन्ट्रैक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट देस अंडी फोर सी ऑन सेकेंड टाइप ऑफ पेमेंट दैट इज पेमेंट बाई एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू मीडिया कम तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वन सेवेंटी पे कर रही है टी वाई को सोनी को उस पर वन नाइंटी फोर सी भी नहीं लगेगा हाउ एवर एनदर इशू विच हज बिन रेज इन वेरियस केसेस इज टू वेदर The fees charges taken retained by the advertising companies from the media companies with thirty thousand rupees for canvassing booking advertisement, typically fifteen percent of the billing, is commission or discount. Since the relationship between media company and the advertisement companies on a principle to principle basis, such payments are in the nature of trade discount and not commission, and therefore outside the purview of 194 H. इट इज हैव क्लैरिफाइड दैट नो टी डी एस इज अट्रैक्टेड ऑन बीमेन्स मेड बा टेलीविजन चैनल न्यूज पेपर कंपनीज टू एडवर्टीजेंट की फॉर बुकिंग प्रिक्योरिंग और कैनवेसिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट लिखिए टीओ आई टाइम्स ऑफ इंडिया सोनी टीवी एडवर्टिजमेंट एजेंसी है क्लाइंट है क्लाइंट पे करता दस लाख तुमने एग्जांपल लिया था दो लाख का 194 सी लग जाएगा ठीक है ये 15 परसेंट रिटेन कर लेती है और 850 पे करती है तो so, यहां पर ना तो 194C लगेगा और ना ही 194H लगेगा तो ये प्रिंसिपल टू तो प्रिंसिपल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट है <coughs> 150 जो है ए स्ट्रेट डिस्काउंट and not commission as per cbdt <coughs> clear here को क्या करती है ट्रैवल एजेंट को कहती है टिकट बेची दस हजार रुपए का कस्टमर और ट्रैवल एजेंट को कहती है इस दस हजार पर आपको दस परसेंट कमीशन मिलेगी यानी कि हम टिकट आपको दे रहे हैं नौ हजार So, हम नौ हजार का टिकट दे रहे हैं आपको इसे आप दस हजार में इशू उठता है कि क्या यह माना जाएगा हजार रुपए कमीशन पे की है इंडिगो ने ट्रेवल एजेंट को यस बोर्ड कहता है यहां पर यह माना जाएगा क्योंकि यह तो प्योर एजेंसी बिजनेस है और व्हाट यू गेटिंग इज द कमिशन ऑफ द सेल ऑफ टिकट्स सो so, बोर्ड का सर्कुलर वो कहता है कि जो डिफरेंस इन द प्राइस है जिस प्राइस पर एजेंट कस्टमर को बेच रहा है और जिस प्राइस पर इंडीगो ट्रेवल एजेंट को बेच रही है डिफरेंस इज कमीशन उस पर इंडीगो टीडीएस काटेगी ऑफ दिस ट्रेवल एजेंट देखिएगा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन कमीशन Supplementary commission received by the travel agents from the airlines. It is clarified that tax should be deducted at source under 194H on the amount available to the agents, being the difference between the airline airfare fixed by the airline 10,000 and the price at which the agent get the tickets, the difference is commissioned in their hands. Point five. Most important. Markery. वोडाफोन एयरटेल सब ने ये इशू फेस किया वोडाफोन एयरटेल भारती ये क्या करते हैं शॉपकीपर्स को प्रीपेड सिम कार्ड देते हैं प्रीपेड सिम कार्ड देते हैं सिम कार्ड में इनको मिलता है आठ सौ रुपए का और शॉपकीपर आगे कस्टमर को बेचता है वन थाउजेंड रुपीज का सो कस्टमर को वन थाउजेंड का क्रेडिट मिल जाता है पांच रुपए का डिडक्ट कर लेते हैं कुछ वो जो मतलब इफेक्टिवली वन थाउजेंड का क्रेडिट कस्टमर को मिल जाता है यानी आज मैं इस शॉपकीपर से वन थाउजेंड का प्रीपेडा सिम प्रीपेड वाउचर जो भी है प्रीपेड सिम कार्ड तो मुझे क्रेडिट वन थाउजेंड का मिलेगा ये जो दुकानदार है ये इसको दिया जाता है ये सिम आठ सौ रुपए का ऐसी दुकानदार मान लीजिए दस हजार सिम कार्ड बेच देता है कोई बड़ी बात नहीं है यानी कि कितने का खरीदा आठ सौ आठ हजार अस्सी हजार आठ लाख अस्सी लाख यानी अस्सी लाख के सिम खरीद कर आगे सौ लाख के बेच दिए वोडाफोन कहती है भारतीय हम तो जी एक तरह से गुड्स बेच रहे हैं हम तो एक तरह से गुड्स बेच रहे हैं ये तो प्रिंसिपल टू तो प्रिंसिपल सेल है एंड देर फोर नोटिडियस ये तो सेल ऑफ गुड्स है जबकि एओ कहता है जी ये 20 लाख कमीशन है 20 लाख कमीशन है एओ कहता है कि वोडाफोन भारती को क्या करना चाहिए था इस 20 लाख पर 5 परसेंट टी कलेक्ट करना जमा करना चाहिए था कितना हो गया एक लाख रुपया और ये शॉपकीपर से एक लाख वसूल कर लेगी कि हमने आपका टीडीएस जमा किया है इसमें एडजस्ट कर देगी जो सेटलमेंट होगा इनके बीच में तो ईशो ये उठा कि वोट ऑफ ऑन भारती कहते हैं हम तो जी सिम कार्ड बेच रहे हैं शॉपकीपर को ये तो सेल ऑफ गुड्स है प्रिंसिपल टू तो प्रिंसिपल गुड सेल हो रही है इज नो क्वेश्चन ऑफ टीडीएस कोई कमीशन का एलिमेंट ही नहीं है अब दुकानदार सिम कार्ड खरीदकर हायर प्राइस पे बेच रहा है इसमें हम क्या करें जैसे कि आज मैं कुछ गुड्स बेचता हूँ किसी दुकानदार को सौ रुपए की मतलब एक लाख के वो दुकानदार एक लाख बीस के बेच देता है तो मैं तो प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल से दुकानदार को वही वो भारतीय वोडाफोन कहते हैं मैं तो कोर्ट्स में गया और सभी कोर्ट्स ने एक ही डिसीजन दिया कोर्ट ने कहा सिम कार्ड नहीं चला फिर क्या होगा क्या यह शॉपकीपर रिस्पॉन्सिबल है नो अगर सिम कार्ड नहीं चला जो आपको वैल्यू मिली आपने हजार रुपए दे आपको क्रेडिट मिला दो सौ रुपए का तो कस्टमर शॉपकीपर से कुछ नहीं बोल पाएगा शॉपकीपर बोलेगा प्लीज वोडाफोन से बात करिए कस्टमर केयर पे, तो कोर्ट ने कहा यहां पर सेल ऑफ गुड्स नहीं है यह तो सिर्फ एक एजेंट है जो सिम कार्ड आगे बेच रहा है भारतीय वोडाफोन के बिहा पर एन देफ कोर्ट ने कहा कि यहां पर वोडाफोन भारती की ड्यूटी बनती थी जीडीएस काटे अंडर वन एच नहीं काटा तो जो कॉन्सिक्वेंसिस होते हैं टी ना काटने के वो भारतीय वोडाफोन पे लगेंगे और ये बड़े मोटा डिफॉल्ट था जहां भारतीय वोडाफोन को पेनालाइज किया गया कैन डिस्काउंट गिवन ऑन सप्लाई ऑफ सिम कार्ड्स रिचार्ज कूपन्स बाय अ टेलीकॉम कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रीपेड स्कीम विज कमीशन टू अट्रैक्ट वन आइंटी फोर एच यस ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है बिकॉज अगर सिम कार्ड खराब निकला जो वाउचर मिला प्रीपेड वो काम नहीं किया तो दुकानदार से थोड़ी शिकायत करेंगे शिकायत तो आप करेंगे कस्टमर केयर एयरटेल से इंपॉर्टेंट माफ करिएगा देस <clears throat> no sale of any goods involved as claimed by the assessee, and the entire charges collected by the assessee from the distributors at the time of delivery of SIM cards and recharge coupons were only for rendering services to the ultimate subscribers. Assessee was accountable to the subscribers for failure to render prompt services person to the connections given to the, by the distributor. Therefore.

शॉपकीपर से जो 80 लाख की परचेज प्राइस उसमें एडजस्ट कर लेते हैं शॉपकीपर इनको कितने देगा 81 वन लैख एटी वन लैख शॉपकीपर एक तो 80 लाख देगा प्लस एक लाख टीडीएस शॉपकीपर विल पे 80 लैख प्लस वन लैख टीडीएस टू तो वोडाफोन लास्ट कैन इंसेंटिव गिवन टू स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय द मैनुफेक्चरिंग कंपनी बी ट्रीटेड कमीशन टू अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ वन नाइंटी फोर एच एंड अगर नहीं काटा आपने तो क्या डिसअलावेंस हो जाएगा फोर्टी ए वन ए में फॉर फेलियर टू डीडीएस सो एक कंपनी अपने स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिव दे रही है तो क्या वो इंसेंटिव कमीशन माने जाएंगे द असी कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स सोल द सेम आइदर थ्रू कंसाइनमेंट और कमीशन एजेंट्स और डायरेक्टली थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड स्टॉकिस्ट ड्यूरिंग द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर इट इंट्रोड्यूस अ सेल्स प्रमोशन स्कीम टू बोज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट By way of product discounts and product campaign, it passed on the incentives to distributors through consignment agents by way of sales credit notes. <clears throat> the EO held it as a service. associate was paying the stocker's distributors for services rendered by them for buying, selling the goods on the basis of quantum of sales affected such payment has to be considered as commission on which tax was deductible under 194H since Nahi kaata ye Commission Disallow Jai 401. 40 The High Court observed that Assasi has undertaken sales promotion by way of product discount scheme under which it offered incentives to the stockers, distributors, and dealers. The relationship between the assessee and distributors was on a principle to principle basis. तो एस ने अपने स्टॉकेस को बोला कि अगर आप 100 लाख के गुड्स बेचते हैं तो नॉर्मल कमीशन 10 परसेंट है इस पर टीडीएस कटेगा बट अगर आपने इससे ज्यादा बेच दिए तो हम आपको इंसेंटिव देंगे सम परसेंटेज और इंसेंटिव आपको क्रेडिट नोट के थ्रू दे दी जाएगी अब कोर्ट कहता है जो इंसेंटिव हैं ये तो एक तरह से ट्रेड डिस्काउंट हो गया जैसे बल्क डिस्काउंट होता है आप बल्क में गुड्स खरीदते हैं तो आपको बल्क डिस्काउंट मिलता है जो स्टेट डिस्काउंट वो सेल प्राइस से कम हो जाता है तो हाई कोर्ट ने यही बात की कि वॉल्यूम अचीव करने पर स्टोकस को एक इंसेंटिव दिया जा रहा है वो तो एक तरह का ट्रेड डिस्काउंट हो गया इट्स नॉट कमीशन The High Court observed that sse has undertaken sales promotion by way of product discount scheme under which it offered incentive to the stockist-distributors-dealers. The relation between sse and distributor-stockist was principle to principle. The High Court accordingly held that stockists and distributors were not acting on behalf of the sse and most of the credit was by way of goods on meeting the sales target

प्रिंटेड प्राइस है दस रुपए इनको बेच देते हैं छ रुपए का और ये आगे बेचते हैं तो ये तो ट्रेड डिस्काउंट मिला इस चार रुपए को कमीशन नहीं मानेंगे हम बिकॉज स्टॉक अगर इसके पास आ गया एक्सपायर हो गया जो दवाई एक्सपायर हो गई उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं है स्टॉकेस्ट लाइबल है ये तो प्रिंसिपल टू तो प्रिंसिपल सेल है और कहा जाता है कि अगर आप P.C.M के वन लैख पीसेस बेच देते हैं वन लैख स्टेप बेच देते हैं तो हम आपको एक रुपए का डिस्काउंट और दे देंगे तो हाई कोर्ट ने कहा यह तो एक प्रोडक्ट डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट है एंड इट नॉट बी टर्मड एज कमीशन टीडीएस का चैप्टर बहुत बहुत बड़ा है आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा अमिताभ बच्चन जब आप एक करोड़ जीत जाते हैं तो आपको एक करोड़ का चेक देता है और आप तो यह करता है जी मैं एक करोड़ आपके बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूं सब झूठ होता है जब शो चल रहा होता है आपको एक करोड़ का चेक देते हैं जब शो खत्म हो जाता है कहता तो चेक वापस कर और सेवेंटी लेक आपको चेक मिलता है कहा जाता है कि थर्टी परसेंट आपका टीडीएस हमने काट लिया पेज एटीन पेज एटीन टीडीएस ऑन 194 बी विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल एक्सेट्रा the person responsible for paying to any person any income by way of winning from any lottery crossword puzzle card game or any other game of any sort Note टू में पढ़िए कार्ड गेम और आधार गेम ऑफ सॉर्ट में क्या लिखा है इंक्लूड्स एनी गेम गेम शो एन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन कौन बनेगा करोड़पति इलेक्ट्रॉनिक मोड इन विच पीपल कंपेर टू विन प्राइजेस और सच सिमिलर की सो so, जो टेलीविजन पर कौन बनेगा करोड़पति है डांस या डांस बेस्ट डांसर्स वगैरह सब इस सेक्शन में आते हैं थर्टी परसेंट टी डी एस काटा जाएगा सो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल पेंग टू एनी पर्सन एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग सो मैनी लॉटरी क्रॉस पर्सल कार्ड गेम एनी द गेम ऑफ एनी सॉर्ट टीवी गेम्स इन एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज टेन थाउजेंड तो अगर बीस हजार मिल रहा है तो बीस हजार पे तीस परसेंट एडियस कटेगा टेन थाउजेंड इज नो टी डी एस बट टेन थाउजेंड में इलेवन थाउजेंड मिल रहा है तो इलेवन थाउजेंड पे थर्टी परसेंट एडियस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट दे आर ऑफ यहां क्रेडिट नहीं है क्रेडिट नहीं पेमेंट डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ थर्टी तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको दस लाख का कैश प्राइस निकला है कैश और चेक फिर तो कंपनी सोनी तीन लाख टीटीएस काटेगी सात लाख रिलीज कर देगी आपको अगर आपको दस लाख कैश मिल रहा है और पांच लाख की गाड़ी मिल रही है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है दस पांच पंद्रह पंद्रह पे तीस परसेंट कितना हुआ साढ़े चार लाख का टीडीएस काट लेंगे इसमें से साढ़े पांच लाख का चेक और गाड़ी आपको दे देंगे बट अगर आपको कार मिल रही है दस लाख की और कैश मिल रहा है दो लाख का या फिर सिर्फ अपकार मिल रही है दस लाख की यहां टीडीएस कितना बना थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड यहां टीडीएस कितना बना थ्री लैख यहां कैश इनसफिशिएंट है यहां कैश है ही नहीं तो लॉ कहेगा जो प्राइस दे रहा है वो प्राइस रिलीज करने से पहले एंश्योर करेगा कि इस पे टैक्स जमा हो गया सपोज ये प्राइस सोनी टेलीविजन दे रही है या कैडबरीज दे रही है तो सोनी टेलीविजन कैडबरीज यहां पर एक साठ का टीडीएस कम है दो लाख यहां से एडजस्ट कर लेंगे टीडीएस एक साठ या तो अपनी जेब से जमा करे कैडबरी सोनी या फिर एंश्योर करे कि विनर एक साथ टैक्स जमा कर देता है उसका प्रूफ देता है सोनी कैडबरीज को तो कि मैंने टैक्स जमा कर दिया है डिक्लेरेशन देता है कि मैंने टैक्स जमा किया टूवर्ड्स विनिंग यहां पर भी या तो विनर तीन लाख का टीडीएस जमा कर दे पॉकेट से अपनी टीडीएस विनर जमा कर दे उसका प्रूफ दे कैडबरीज को सोनी को हमने जमा कर दिया है तो कैडबरी सोनी रिलीज कर देंगी गाड़ी यहां पर या फिर सोनी कैडबरी इस पर टैक्स अपनी जेब से पे कर और अगर अपनी जेब से पे करते हैं तो ग्रॉसिंग अप हो जाएगी क्योंकि जो टैक्स दिया करेगा सोनी या कैडबरीज वो भी इनकम ऑफ विनर मान ली जाएगी की नोट

Awarded to any person by way of draw of lots or by chance or in any other manner under any scheme or arrangement by whatever name called card game, game of any other sort, is TV games. It is mandatory for the organizers of TV programs such as Kanbaniga Karolpati, Dance City Dance, etc., to deduct tax under 194b. लकी डॉ स्कीम्स ऑर्गेनाइज बाय द पर्सन शैल अट्रैक्ट टीडियस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेंस इट इज द नेचर ऑफ लॉटरी इलास्टेशन वन एक्स आर नॉन रेस्टेंट सो एनआर के केस में क्या होगा सर चार्ज लगेगा से लगेगा सर चार्ज लगेगा अगर विनिंग्स फिफ्टी लैक्स के ऊपर है एक्स अ नॉन रेजिडेंट विंस अ मारुति कार इन अ क्रॉसवर्ड पर्सन ऑन तेरा दो बाइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ द कार इज टू फोर्टी सो लॉटरी इनकम थर्टी परसेंट टैक्स होती है और कोई स्लैब नहीं मिलता तो ये जो इनकम से हम पढ़ेंगे आगे जाकर ये टैक्स भी थर्टी परसेंट पर होती है एक सेक्शन करेंगे वन फिफ्टी बीबी एक्स आर नॉन रेस्टेंट मारुद्रॉस वर्ड पर्सन ऑन थर्टी ट्वेंटी मार्केट प्राइस ऑफ दू फोर्टी द्रॉसवर्ड पर्सन वॉज ऑर्गेड रेट ऑन दिफ्टी डबल बी हम पढ़ेंगे इनकम तीस परसेंट पे टैक्स होती है प्लस हेल्थ एजुकेशन नहीं लगेगा पचास लाख लग से ऊपर नहीं है तो इस क्वेश्चन को और एग्जाम्पल टू को आप नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा इस क्वेश्चन वन को क्वेश्चन टू को नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा विल we'll स्टॉप हेयर